लो देयर फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट सी जुबैर खान दिस साइड। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नवंबर 23 एग्जामिनेशन के लिए एडवांस अकाउंटिंग के रिवीजन बार। एंड वी ऑल नो दैट कि नवंबर 23 लास्ट अटेम्प्ट है हम लोग के ओल्ड सिलेबस का, तो हम लोगों को पूरी जान लगा देना और अच्छे नंबरों से ये अटेम्प्ट में पास करना ही है। इस रिवीजन बैच को हम लोग शुरू करें, पहले चैप्टर पर मैं आऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं कि क्या अप्रोच रहेंगे, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे और आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये रिवीजन बैच अराउंड 1 मंथ चलेगी, रेगुलरली वीडियोज आ सकते हैं, कभी कभी हो सकता है कि कुछ बीच में गैप आए, लेकिन अराउंड 1 मंथ ये रिविजन बैच चलेंगी आप लोगों की। और इस बैच में हम लोग 100% सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करने वाले, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं रहेगा जो हम लोग स्किप कर जाए, हम छोड़ जाए ना पढ़े, ऐसा नहीं होगा। हम सारी चीजें यहां पर कवर करेंगे। और ये एडवांस अकाउंटिंग बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोगों को ग्रुप टू हो या ग्रुप वन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट हो, दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और दोनों ही ग्रुप में एक ऐसा पेपर, दो एटलीस्ट ऐसे पेपर रहने जिसमें आपको एग्जामिनेशन आना चाहिए, इनफैक्ट 70+ 75+ आना चाहिए, ताकि आपको एग्रीगेट में प्रॉब्लम ना जाए। और एडवांस अकाउंटिंग ग्रुप टू में एक ऐसा पेपर है जिसमें आप 70+ ला सकते हो। सो अच्छी तरीके से इस रिविजन बैच का आप लोग बेनिफिट लेंगे, जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा उस चीज को आप फॉलो करेंगे। और ऐसा कोई भी कंसेप्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट हम लोग यहां पर कवर करेंगे। अब जल्दी से आप लोग इस चैनल को, सीए जुबैर खान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए। फिर आपके टेलीग्राम पे कोई ग्रुप है या आप लोगों के व्हाट्सएप पे ग्रुप है, आप उसमें शेयर जरूर करें कि ताकि सारे स्टूडेंट जिन लोगों की इसकी जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। इस बैच में हम लोग जो नोट्स बनाए वो नोट्स इस तरीके से बनाए बेटे कि हर चैप्टर में, चैप्टर वाइज हम लोग चलेंगे। जैसे कि यहां पे पहले ये 9 चैप्टर में आप लोगों को कराऊंगा, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, फिर बायबैक, लिक्विडेशन, अमल कमीशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डिसोल्यूशन, बैंकिंग, एनबीएफसी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हम लोग सारे के सारे कवर करेंगे, सारे अकाउंटिंग जो आप लोग ग्रुप टू एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर सब्जेक्ट में। अब आप लोगों को यहां पर ये नोट्स आप लोग डाउनलोड कहां से करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम के उस चैनल को आपको ज्वाइन करेंगे और वहां पे सारे के सारे जो भी नोट्स चैप्टर के रहेंगे, सारे चैप्टर के नोट्स वहां पे अपलोड होते जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज जैसे चैप्टर नंबर 1 मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस चैप्टर नंबर के 1 के जो आपके नोट्स है वो वहां पर है। अभी जो नोट्स है इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप अभी आगे देखेंगे कि हैंड रिटन नोट्स, मतलब जो रेगुलर बैच में मैं चार्ट बनाता था, वो सारे के सारे चार्ट आप लोग इस रिविजन बैच में रहेंगे। और जो एडजस्टमेंट चैप्टर के रहते हैं वो भी आपके समराइज फॉर्म में दिए हैं वहां पे। उसके बाद सबसे पहले रोज हम लोग चैप्टर जब शुरू करेंगे, चैप्टर के सारे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी मटेरियल में दिया हुआ है। मैंने उस तरीके से क्वेश्चन पिक किए हैं जिसमें आपके लगभग सारे एडजस्टमेंट कवर हो जाए और क्वेश्चन में हम उसके बारे में डिस्कस भी कर सके और क्लियर कंसाइज ऑर्गेनाइज, मतलब आपके नोट इस तरीके से बनाए गए समराइज फॉर्म में कि ऐसा कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे कि आपसे छूट जाए, और ऐसा भी नहीं कि अननेसेसरी बहुत ज्यादा वहां पे डिस्कशन हो रहा है, आपको हर चीज वहां पे समराइज फॉर्म में कवर करी गई है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच इसलिए रहा कि अब हमारे पास 3 महीने, मतलब आपका नवंबर में एग्जामिनेशन आप लोग के बाद। सो ये बात इस बार ये बात अच्छी हुई कि आप लोगों का रिजल्ट सी इंटरमीडिएट का जल्दी आ गया। So, कुछ बच्चे ऐसे जो फर्स्ट टाइम नवंबर 23 में अपीयर हो रहे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिन लोगों के एक अटेम्प्ट या दो अटेम्प्ट या उससे ज्यादा अटेम्प्ट हो गए। सो अब रिजल्ट अभी जल्दी आ गया सी इंटर का, तो आप लोग के समय है पढ़ने के लिए। सो आप इस तरीके से नोट कि एग्जाम ओरिएंटेड यहां पर रहेगा, एग्जाम के लिए अप्रोच है कि हम लोगों को 70+ टारगेट ही ये था कि 70+ आप लोग का आना ही चाहिए, 70+ आना ही आप लोगों का चाहिए एडवांस अकाउंटिंग में आ सकते, कोई डिफिकल्ट नहीं, आपका टारगेट 70+ ही होना चाहिए और आप लोगों का टाइम भी बचेगा। अब टाइम कैसे कि एक और चीज होती है, जो बच्चे ऐसे जो पहली बार नवंबर 23 में एग्जामिनेशन दे रहे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, उन लोगों ने अभी अभी बैच खत्म हुई है या खत्म होने की होंगी, कुछ दिनों में खत्म होंगी। सो यह हो सकता है खत्म हुए बाद वो वीडियो अभी देख रहे होंगे, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों ने रिसेंटली भी बैच करे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पिछले अटेम्प्ट एक अटेम्प्ट हो गया, लेकिन उससे ज्यादा अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट या तीन अटेम्प्ट होगा, नवंबर 23 आपको पता है कि जिसे लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस के हिसाब से, तो आपको अगर लगता है कि नहीं सर चीजें भूल गए है ना उसको, तो यहाँ पे सारी चीज रिवाइज करेंगे, लेकिन लगता है नहीं सर
काफी कुछ भूल गए, कुछ नए क्वेश्चन एड एंड ऑल दैट, सो देयर इज नो कंपल्शन. लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप चाहो तो आपके पास टाइम तो आप एक चीज ये कर सकते कि आप लोग वहां पे बीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे जाके आप एडवांस अकाउंटिंग परचेस कर सकते हैं. ओके, सो दैट दिस इज फॉर नवंबर 23 एग्जामिनेशन, जो कि रेगुलर बैच है, एडवांस रिवीजन बैच यूट्यूब पर ही रहेगी, अपलोड लेक्चर्स यहीं पे होंगे. लेकिन अगर आप चाहे, जरूरी नहीं कि मेरे लेक्चर खरीदो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर दो तीन अटेम्प्ट हो गए हम लोग का क्लियर नहीं हो रहा है और हम लोगों को लगता है कि अच्छे से पढ़े नहीं थे हमने, तो हमको लगता है कि एग्जामिनेशन पे इसमें मैं बताऊं तो 59 से 60 लेक्चर्स है इसमें, जो कि आपको लगता है कि नवंबर 23 एग्जामिनेशन आपको लगता है नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, सो आप चाहो तो इसको बीबी वर्चुअल की वेबसाइट पे जाके परचेस कर सकते हैं, रेगुलर बैच की बात करो. अब मैं वापस आ जाता हूं रिवीजन बैच पे, सो आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि उसका सारी चीज हम लोग क्या करेंगे समराइज फॉर्म. ओके, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि इस बैच में हम लोग पहले पूरे 9 चैप्टर इसी सीक्वेंस में आप लोग के लूंगा और इस सीक्वेंस में एक एक चैप्टर हम लोग करते जाएंगे, उसके बाद सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करेंगे. सो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉयज ऑप्शन प्लान. और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो के बाद जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, अपना ओपिनियन बताइएगा, और आपके जो भी फ्रेंड है सीए इंटर का जो नवंबर 23 के एग्जामिनेशन में अपीयर हो उनसे आप वीडियो जरूर शेयर करिएगा. सो हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से सारी चीजें रिवाइज करेंगे, और मेहनत अपने को बहुत करना है कि भाई नवंबर 23 हमारा लास्ट अटेम्प्ट है ऐसा मान लो, इस बार क्लियर करना है और जल्दी से कहां पे एंटर करना है सीए फाइनल. ओके, तो चलिए शुरू करते. इसके नोट्स आप लोग को कहां पर मिलेंगे, टेलीग्राम के चैनल पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस चैनल पे जाके आप ज्वाइन करिए, वहीं पे आगे के चैप्टर्स के भी वहां पे ही नोट्स अपलोड होते जाएंगे. ओके, अब आते हम लोग फर्स्ट चैप्टर, तो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे, और अगर कोई रेगुलर बैच परचेज करना चाहता है एडवांस अकाउंटिंग की तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो कि बीबी वर्चुअल वेबसाइट पे अवेलेबल है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान. इसका कंसेप्ट क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है इंफोसिस. इस कंपनी के बड़े ही अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स, जो इन लोग ऑफिसर्स है जो इनके पास काम करते. इंफोसिस कंपनी नहीं चाहती कि ये मेरे अच्छे एम्प्लॉयज है, ये एम्प्लॉयज हमारी जॉब छोड़ के जाए. वो चाहते कि ये वॉन्ट्स टू रिटेन हाई क्वालिटी एम्प्लॉयज. ये इंफोसिस कंपनी चाहती है कि ये जो एम्प्लॉयज है, ये जो एम्प्लॉयज है हमें छोड़ के ना जाए. और ये इंफोसिस कंपनी के एम्प्लॉय पे नजर है. किसकी नजर है? वहीं पे विप्रो कंपनी और टीसीएस कंपनी जो आईटी कंपनीज है, उन्होंने बोला अरे वाह वाह इनके जो अच्छे एम्प्लॉयज है हमारे पास लेके, और आज कल तो भाई इन एम्प्लॉयज को अच्छा पैसा मिला तो ये तो स्विच कर जाएंगे. ये कहां चले जाएंगे? ये तो विप्रो के पास चले जाएंगे, ये टीसीएस पे चले जाएंगे. तो ये जो है यहां पे ये जो एम्प्लॉयज है वो स्विच कर जाएंगे. तो भाई इंफोसिस कंपनी सपोज चाहती कि भाई मेरे ये अच्छे एम्प्लॉयज है ये मुझे छोड़ के ना जाए, तो उसने इन लोगों को अच्छी सैलरी दिया. स्क्रीन पर आप ध्यान से देखेंगे इसने क्या किया, सैलरी दिया एम्प्लॉयज को, पैसा दिया, उसके बाद उनको पेड लीव देता है, सिक लीव देता है, इंश्योरेंस भी करा के देता है. लेकिन ये एम्प्लॉय कहते ये दिल मांगे मोर, और वो कहते कि नहीं 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 हमें और चाहिए. तो भाई इंफोसिस कंपनी सोचने लगी कि इन्हें ऐसा क्या दे कि एम्प्लॉयज ये हमारी जॉब छोड़ के ना जाए. तो उन लोगों ने कहे चलो एक काम करते, ये हमारे पास जॉब भी करे, हमारे पास रहे भी, और हम लोग इन लोगों को ऐसा ऑफर दे कि हमारी जॉब छोड़ के ना जाए, तो रिटेन करना वो चाहता है. तो इंफोसिस कंपनी कहती है, सपोज मैं इंफोसिस कंपनी आप हो एम्प्लॉय, सपोज एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि सुनो 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 अब सुनिया कि मैंने आपसे कहा आप हो एम्प्लॉय, आप नौकरी छोड़ के मत जाओ, आप इसी जॉब में रहो, मैं आपको सैलरी तो दे रहा हूं, इंश्योरेंस करा के दे रहा हूं, पेड लीव दे रहा हूं, सब दे रहा हूं, इसके अलावा मैं आपको शेयर ऑफर करना चाहता हूं. हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, मैं आप ही को कह रहा हूं, मैं आपको ये शेयर ऑफर करना चाहता हूं, और मैं कहता हूं कि आप ये नौकरी छोड़ के मत जाओ, और आप मेरे पास अगले एग्जांपल के तौर पे 2 साल 3 साल आप मेरे पास रहो, और क्या करो अगर आप ये 3 साल आप रुक जाते हो तो मैं आपको ये शेयर दूंगा इंफोसिस कंपनी के बड़े ही कम कीमत पे, जो मार्केट रेट है उससे भी कम कीमत पे मैं दूंगा. ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास रहे. तो मैंने आपको ऑफर किया, ऑफर गिवन टू द एम्प्लॉयज, ऑफर गिवन टू द एम्प्लॉयज टू परचेज एट अ फ्यूचर डेट. मैं आज आपको शेयर्स नहीं दूंगा,
मैंने आज आपको ऑफर दिया, मैं आपको शेयर्स कब दूंगा, मैंने आज आपको ऑफर दिया और मैंने कहा कि आज आपको मैं ऑफर दे रहा हूं कि आप मेरे पास 2 साल 3 साल रुको, मेरी कंपनी में जॉब करो और जब 3 साल हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको फ्यूचर डेट पे कम कीमत पे क्या करूंगा बेटा, मैं आपको फ्यूचर डेट पे कम कीमत पे शेयर दूंगा। तो फ्यूचर डेट द शेयर ऑफ द कंपनी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस एट ए कंसेशनल प्राइस। तो मैं आपको आज ही तय कर रहा हूं कि किस कीमत पे दूंगा और वो कंसेशनल रेट मार्केट रेट से कम कीमत पे दूंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं कि मैं मोटिवेट करना चाहता हूं एम्प्लॉय को कि आप रुको मेरे पास, रिवॉर्ड एम्प्लॉय फॉर देयर कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस, मैं आपको रिवॉर्ड देना चाहता हूं आपका कमिटमेंट था। और जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही कंडीशन है कि 2 साल 3 साल रुको, कुछ और कंडीशन भी हो सकती है, उसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा, जैसे इतने परसेंटेज प्रॉफिट कमा के दो एंड ऑल दैट अपन आगे डिस्कस करें। लेकिन मैं आपको जो रिवॉर्ड देना चाहता हूं भाई, आपने अच्छा परफॉर्म करे, आप मेरे साथ इतने साल तक के रुके रहे और वेल्थ भी क्रिएट होती है एम्प्लॉयज की। तो एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, वो तो बहुत खुश होगा, वो बोलेंगे मुझे सैलरी तो मिल ही रही है लेकिन उसके साथ साथ मुझे शेयर भी मिल रहे, कंपनी की ग्रोथ होंगी, आगे मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, तो मुझे जो कंपनी ने कम कीमत पे शेयर दी है उसकी भी तो वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। तो भाई आगे चल के एम्प्लॉयज बेचेंगे तो उसको पैसा मिलेगा। तो अब इसके कंसेप्ट के बारे में आगे आइए। मगर आजकल ऐसा देखा कि बहुत सी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये क्या होता है ESOP, इसको शॉर्टकट ESOP कहूंगा। बहुत सी कंपनी, एक पॉलिसी बाजार करके एक कंपनी, उन्होंने अपने एम्प्लॉय के 560 करोड़ के ESOP एक्सपेंस, और ESOP एक्सपेंस अभी उसके बारे में हम आगे बात करने वाले, उन्होंने अपने कंपनीज को क्या दिए, ESOP ऑफर करे कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आप लोग हम कम कीमत पे आपको ऑफर करें। इनफैक्ट जो Zomato ने भी 4.5 करोड़ शेयर अपने एम्प्लॉयज को दिए थे और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसके जो फाउंडर है दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा, वो जो थे इन लोगों ने इस कंपनी को शुरू किया था, आई थिंक 2008 की बात है, जबकि बात है 2008 की बनने में, वो जब इन लोगों ने शुरू किया था इसको कोई और नाम से, फिर लोगों ने बाद में इसका Zomato नाम रखे थे। आपके सब मतलब आप तो मतलब 2005-06 की आपको 8 की बात ख्याल भी नहीं रही, इसलिए मैं 2011 में सीए बना, तो 2011 में जब मैं सीए बना तो जबकि बात मुझे ख्याल है कि उस वक्त Zomato ये सब इतना नहीं होता, ऑनलाइन ऑर्डर सीजन भी थे, लेकिन Zomato बड़ा फेमस था किस चीज के लिए, जब मैं रिव्यू देता था होटल्स के रिव्यू देता था, तो वहां पे ऐसा पहले ऐसा नहीं था कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया ऐप से घर पे आ जाता था, लेकिन जब होटल जाते उसके रिव्यू देता था, मेन्यू क्या रहता वो देता था, प्राइस क्या है उनके वहां पे, वो सारी चीजें उसके वो पूरे इंडिया के होटल्स के वहां पे उसके Zomato की वेबसाइट पर अवेलेबल रहता, फिर बाद में डिलीवरी सबका शुरू कर। एनीवेज तो Zomato कंपनी ने भी अपने एम्प्लॉयज को कह दिया, उसी की तरह यहाँ पे एक न्यू कंपनी जो सेकंड हैंड कार रीसेल करती है, ये भी आपके इसका ब्रांड एम्बेसडर आई थिंक सचिन तेंदुलकर, उन लोगों ने भी अपने एम्प्लॉयज को क्या दिए, ESOP दे रहे। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है, क्यों देती है कि हमारे एम्प्लॉय हमें छोड़ के ना जाए, हमारे पास टिके रहे, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई एम्प्लॉयज अच्छे होते उनको अच्छा ऑफर आता है चले जाते कई बार। ओके, अब अपन इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके अकाउंटिंग में, मैं थोड़ी देर पे आता हूं, लेकिन ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपके पास है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल से, ये सारी चीज आपके पास है, सिर्फ आपको मेरी बातों को ध्यान से क्या करना है बच्चे, ध्यान से मेरी बातों को आपको सुनना रहेगा। सो चलिए सबसे पहले अपन आते हैं कि कंसेप्ट के, इंफोसिस कंपनी थी ये, इसके एम्प्लॉय थे और हमने एम्प्लॉय को बोले कि नहीं नहीं जाना नहीं, आपको हमारे पास ही रहना है। तो सपोज आज से 1st of January 2022 को मैं हूं, सपोज समझाने के लिए मैं हूं इंफोसिस कंपनी और आप हो मेरे एम्प्लॉयज, सो मैंने आपको क्या किया बच्चों, मैंने आपको ऑफर किया कि सुनो आप मेरे साथ 3 साल मेरी कंपनी में रहो। तो आप बोले अच्छा अच्छा सर हम आपके साथ 3 साल आपकी कंपनी में रहते हैं, और मैंने जब आपको ऑफर दिया उससे हम कहते हैं ग्रांटेड। तो आज मैंने ऑफर दिया कि आज से आप 3 साल तक मेरी कंपनी में रहो, तो मैंने कहा ग्रांट डेट, इट इज अ डेट एट विच एंटरप्राइज एंड इट्स एम्प्लॉयज अग्री टू द टर्म्स ऑफ एन एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट, वही शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान पे मैं आता हूं। तो मैंने आज आपको ऑफर दिया कि आप मेरे साथ रहो, आप मेरे साथ रहो, मेरी कंपनी छोड़ के मत जाओ अगले 3 साल तक, तो मैंने आज आपको ऑफर दिया, उसको क्या कहते हैं बेटा ग्रांट डेट। तो मैंने कहा कि मार्केट प्राइस आज क्या है, मार्केट प्राइस सपोज थी मैंने कहा 100 रुपए, मार्केट प्राइस कितनी थी 100 रुपए, मैंने कहा मैं आपको 70 रुपए में ऑफर दूंगा। तो अरे बहुत कम, कभी भी ऐसा भी होता है कि मार्केट प्राइस जो भी फ्री में भी दे देते हो, फ्री में भी दे देते शेयर को, शेयर अपने एम्प्लॉयज को, उनको कहते हैं हमारी कंपनी में टिके रहो।
तो सपोज मार्केट प्राइस थी 100 रुपए, मैंने कहा कि आपको मैं 70 रुपीज में शेयर ऑफर करूंगा, मगर एक शर्त है मेरी आपसे, और मैंने कहा कि आपको मेरे साथ अगले 3 साल तक रुकना पड़ेगा, आप ये कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, और अगले 3 साल तक इंप्लॉइज को अगर आप मेरे साथ टिके रहो, इस कंपनी को छोड़ के आपको जाना नहीं है। तो मैंने आपको मार्केट प्राइस सपोज 100 रुपीज मैंने आपको कितने में ऑफर किया, 70 में, तो मैं अगर 100 रुपए की चीज को आपको मैं 70 रुपीज में ऑफर कर रहा हूं बच्चों, तो मैंने तो आपको डिस्काउंट दे दिया 30 रुपए। और प्लीज इसको शेयर डिस्काउंट जो होता है ना उससे मत कंपेयर करना कि फेस वैल्यू से जो कम पे अपन बेचते, वो अलाउ नहीं है कंपनी एक्ट में, मगर उसके बारे में बात नहीं करिए। मार्केट प्राइस से कंपेयर किससे कंपेयर दे रहा है, मार्केट प्राइस से कंपेयर दे रहा है, तो ये फेस वैल्यू से कंपेयर बात नहीं चली, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना, मार्केट प्राइस आपकी 100, मैं कितने में ऑफर करो, मैं आपको 70 में ऑफर करो, तो मैं आपको 30 रुपीज कम पे ऑफर करूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मेरे पास यहां से 3 साल तक रुकना पड़ेगा, और इस 3 साल को, ये 3 साल के और पीरियड भी हो सकता है, मैं समझाने के लिए आपको 3 साल कह रहा हूं। तो मैंने कहा कि आपको मेरे साथ 3 साल तक के रुकना पड़ेगा, और बच्चों इस 3 साल का हम अच्छा सा नाम देते, उसको हम कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। तो ये वेस्टिंग पीरियड का मतलब इतने साल आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ रुकना पड़ेगा, कभी कभी कंडीशन भी होता है कि इतने परसेंटेज प्रॉफिट कमा के दो एंड ऑल इट, अभी हम आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बढ़िया से जब अपन उसके बारे में बात करेंगे, मगर मैंने अभी कहा आपसे कि आपको मेरे साथ अगले 3 साल तक के रुकना पड़ेगा, और अगर आप मेरे साथ 3 साल तक के रुक गए तो उसके बाद में आपको समय दूंगा 6 महीने साल भर कि अब आप ये शेयर कम कीमत पे खरीद लो। तो प्री डिटरमाइंड प्राइस था कि कितने में मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब यहां पे समझ, आप 3 साल तक मेरे साथ जॉब, मेरे साथ मेरी कंपनी में जॉब करें, और उसके बाद मैंने आपको कहा अब आप चाहते हो तो ये शेयर खरीद लो कम कीमत पे, और मैं आपको समय दे रहा हूं 6 महीने साल भर में आपको समय दे रहा हूं, तो वो जो समय दिया आपको क्या उस समय पर आप ये शेयर खरीद सकते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। ओके सो अब 3 टर्म्स को अच्छे समझ लो। ग्रांट डेट मतलब जिस दिन मैंने आपको ऑफर किया कि आज से शुरू होता है अगले 3 साल तक, एग्जाम्पल 3 साल पीरियड आगे पीछे हो सकता है, तो अगले 3 साल तक आपको मेरे साथ काम करना है। उसके बाद मैंने बोला कि जो जितने आप 3 साल तक काम, उसको मैं कह रहा हूं वेस्टिंग पीरियड। उसके बाद आपने कवर कर, उसके बाद आपको समय दिया जा रहा है कि आप शेयर खरीद सकते हो, उसके लिए 6 महीने साल भर आपको टाइम दी, और ये ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है, वो एम्प्लॉय चाहे तो खरीदे, नहीं चाहे तो नहीं खरीदे, कंपल्शन नहीं है, ये ऑप्शन है। अब उस किसको हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। अब इस चीज को अच्छे समझते अकाउंटिंग को, मैंने कहा कि मैं यहां पर आता हूं कि वेस्टिंग पीरियड अपने को समझ में आया कि वेस्टिंग पीरियड क्या है और एक्सरसाइज पीरियड क्या, 3 टर्म अपन ने अच्छे समझ लिए बच्चों। तो ग्रांट डेट जिस दिन ऑफर करेंगे वहां से काउंट होंगे आपके अगले 3 साल, और उसके उसको ग्रांट डेट ऑफर गया तो अगले 3 साल जो अपने जो वेस्टिंग पीरियड है, जब तक आपको मेरी कंपनी में जॉब करो उसको वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, और जब 3 साल खत्म हो गए, 3 साल जब आपके खत्म हो गए तो उसके बाद आपको समय दिया गया 6 महीने साल भर कि आप शेयर हमारे कंपनी खरीदो, उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। ये तो 3 टर्म्स को आपने अच्छे समझ लेना। अब उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, इधर मार्केट प्राइस थी 100 रुपीज, मैंने कितने में ऑफर किया, मैंने उसको ऑफर किया 70 में, तो मैं उनको डिस्काउंट दे रहा हूं 30 रुपए का, तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन डिस्काउंट। किस नाम से बुलाते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं ऑप्शन डिस्काउंट। ऑप्शन डिस्काउंट कितने रुपीज है यहां पे, 30 रुपीज है ऑप्शन डिस्काउंट। अब इसको अच्छे समझ, वी ऑल नो दैट कंजर्वेटिज्म अप्रोच, आपको सबको पता है कि 100 रुपए जो मार्केट वैल्यू, 100 रुपीज की चीज को मैं 70 में देने वाला हूं, 30 रुपए का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो हम लोग ये जो 30 रुपीज है इसको क्या करेंगे, हम लोग ये 30 रुपीज को राइट ऑफ करना शुरू करेंगे, ये 30 रुपीज को क्या करेंगे बच्चों, राइट ऑफ करना शुरू करेंगे, और ये 30 रुपीज को जो अपन राइट ऑफ करेंगे यहां पे, इसको राइट ऑफ करना है, कब करना है, ये वेस्टिंग पीरियड में अपने को 30 रुपीज को राइट ऑफ करना है। तो 100 की चीज आप 70 में दे रहे हो, जो आपने 30 रुपीज जो डिस्काउंट दिए, 30 रुपीज जो डिस्काउंट दिए आप, तो ये आपको वेस्टिंग पीरियड में क्या करना है, इसको अपने को राइट ऑफ करना रहेगा। तो मैं इस वेस्टिंग पीरियड में इसको राइट ऑफ कर रहा हूं, इस वेस्टिंग पीरियड में इसको मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, राइट ऑफ कर रहा हूं। अब मैंने कहा ठीक है सर, ये वेस्टिंग पीरियड में जब मैं इसको राइट ऑफ करने वाला हूं तो कैसे राइट ऑफ करूं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता। तो 30 रुपीज का एक और चीज क्या, कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है कि ऑप्शन डिस्काउंट टर्म को हो सकता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन या फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोला, तो दैट इज नथिंग बट ऑप्शन डिस्काउंट, वो ऑप्शन डिस्काउंट ही, ठीक है, तो कभी ये नाम से बुला सकता है। तो मैंने कहा जो 30 रुपीज को मेरे को राइट ऑफ करना है, चलो सर राइट ऑफ करना है, कैसे राइट ऑफ कर रहा है, इसको SLM बेसिस पे राइट ऑफ कर रहा है। तो वेस्टिंग पीरियड कितने साल का बच्चों, 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 3 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है, और 3 साल में मुझे क्या करना है, इसको राइट ऑफ करना है।
तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे अगर मेरे को इसको वेस्टिंग पीरियड में राइट ऑफ करें स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो 30 रुपए को 3 साल में राइट ऑफ कर दो, एक साल में कितने रुपए राइट ऑफ करना है, 10 रुपए मेरे को राइट ऑफ करना है। अब मैं आता हूं इसकी जर्नल एंट्रीज पे, अगर 30 रुपए को 3 साल में राइट ऑफ करना है तो एक साल में कितना राइट ऑफ करना है, इसका मतलब मेरे को एक साल में उसको राइट ऑफ करना है कितना, 10 रुपए को मेरे को एक साल में उसको राइट ऑफ करना है। तो मैंने सोचा चलो सर 10 रुपए को एक साल में राइट ऑफ करें, अब इसके आती है जर्नल एंट्री पे, मगर और कुछ कॉम्प्लिकेशन आने वाले वो अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे, कॉम्प्लिकेशन है नहीं लेकिन कुछ और एडवांस चीजें मैं आपसे बात करूं। मैंने कहा सिंपल सिंपल एंट्रीज है, सबसे पहले मेरे को ये 10 रुपए को 30 रुपए 3 साल में राइट ऑफ करें, सो इन द नेक्स्ट 3 ईयर आई एम गोइंग टू राइट ऑफ 10 रुपीज एवरी ईयर, 10 रुपीज आई एम गोइंग टू राइट ऑफ। सो व्हाट एंट्री आई एम गोइंग टू पास, आई एम गोइंग टू पास एंट्री एम्प्लॉय, लिसन केयरफुली, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज। तो मैंने क्या कहा कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस क्योंकि एक्सपेंस है इसको राइट ऑफ, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईएसओप आउटस्टैंडिंग। अब ध्यान से समझना, जब मैंने कहा कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस जब का, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस, ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस आपके जाते ये एक्सपेंसेस है, सो इट विल गो टू पीएनएल अकाउंट, इसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने यहां पर देखिए ईएसओप आउटस्टैंडिंग, यहां पर ध्यान से बेटा ये ईएसओप आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में इसको शो करते हैं, तो क्यों इसको रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस में इसको हम क्यों शो करते हैं, तो यहां पे हमने एंट्री पास करें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईएसओप आउटस्टैंडिंग, तो ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ईएसओप आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस रिफ्लेक्ट होती है उसके बारे में आगे बात करेंगे, क्योंकि ईएसओप आउटस्टैंडिंग विल बी यूटिलाइज किसको, शेयर जब हम इस पर आगे इश्यू करेंगे ना, हमने अगर 3 साल हमारे पास जॉब करते तो बाद में हमको शेयर ऑफर करेंगे तब वो कीमत पे करेंगे, तो उस वक्त आप देखोगे ईएसओप आउटस्टैंडिंग विल बी यूटिलाइज एट द टाइम व्हेन विल इशू शेयर, जब हम शेयर इशू करेंगे जब उनको अलॉट करेंगे उस वक्त ईएसओप आउटस्टैंडिंग हम लोग यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए उसको, क्योंकि अब शेयर कहां जाता है, शेयर कैपिटल आपका शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल में आता है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, उसके लिए ईएसओप आउटस्टैंडिंग आगे यूटिलाइज होने वाला है, इसलिए इसको रिजर्व एंड सरप्लस में शेड्यूल 3 में शो करते हैं। अब यहां पे एंट्री पास कर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू ईएसओप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, हर साल जितने से राइट ऑफ करना है मैंने उतने से एंट्री पास किया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईएसओप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये एंट्री पास किया। ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सो एंट्री पास हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, इसका मतलब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को यहां डेबिट किया और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस को यहां क्रेडिट किया, वो क्लोज हो गया। तो मैंने पहले एंट्री पास किया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईएसओप आउटस्टैंडिंग, ऑफिस के बाद पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, तो जो ईएसओप आउटस्टैंडिंग अकाउंट था मेरा ये वैसे ये इसको मैंने तो पीएनएल में ट्रांसफर नहीं किया, वो मेरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में रिफ्लेक्ट हुआ। और ऐसी एंट्री नेक्स्ट ईयर पास किया, तो मैंने एंट्री पास किया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू ईएसओप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को फिर मैंने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एंट्री पास हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। फिर हम लोग आए थर्ड ईयर पे, फिर थर्ड ईयर पे एंट्री पास हुई एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईएसओप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को अपने ट्रांसफर कर दी कहां पे पीएनएल अकाउंट में, तो एंट्री पास हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। अब इस चीज को अच्छे से समझना, हर साल जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट था वो तो मेरा पीएनएल अकाउंट में चले गया, लेकिन एक अकाउंट जिसको मैंने क्रेडिट किया ईएसओप आउटस्टैंडिंग, ईएसओप आउटस्टैंडिंग, ये तीनों साल मेरा क्रेडिट किया। इसका मतलब जब मैं तीसरे साल में आया, जब मैं तीसरा साल हो गया, जब मैं एक्सरसाइज पीरियड में आया, तो ये एंट्री हमने कब पास करी, ये एंट्री हम लोगों ने पास करे कब, हम लोगों ने वेस्टिंग पीरियड के वक्त हर साल ये एंट्री हमने पास करी। लेकिन हर साल जो ऑप्शन डिस्काउंट अमाउंट था ये 30 रुपए, उसको मैंने एसएलएम बेसिस पे 3 साल में राइट ऑफ करा और 3 साल मेरे खत्म हो जाते और मैं कहां पर आता, एक्सरसाइज पीरियड। तो जब मैं एक्सरसाइज पीरियड में यहां पर आया, अब इस खेल को अच्छे से समझना, मैं एक्सरसाइज पीरियड में यहां पर आता हूं बच्चों, और वहां पर देखता हूं कि मैंने तो 100 रुपए की चीज को एम्प्लॉय को ऑफर किया 70 रुपए, तो मेरे पास पैसा कितना है। तो अगर नॉर्मल 100 रुपए में बेचता, सपोज 10 रुपीज फेस वैल्यू में अज्यूम कर लेता हूं कि 10 रुपीज उसकी फेस वैल्यू, 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में मार्केट में बेचता, मेरे पैसे तो 100 रुपए आता। मैं एंट्री पास करता इस सिचुएशन में बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 90 रुपीज, ऐसी एंट्री पास करता अगर फेस वैल्यू 10 रुपए और मार्केट में 100 रुपए, 100 रुपए में बेचता। लेकिन फेस वैल्यू अभी भी 10 ही है, मगर मैंने इसको 100 रुपीज में नहीं बेचा, मैंने इंप्लॉइज को 70 रुपीज में बेचा। तो मैंने कम कीमत पे बेचा, मेरे पास पैसा कितना आया, 100 रुपए आया कि 70 रुपए आया, 100 आया कि 70 आया, 70 रुपीज मेरे पास आए। कितने रुपीज मेरे पास, मेरे पास 70 रुपीज मेरे पास आए। सो मैंने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट 70 रुपीज। अब यहां पे समझना, बैंक अकाउंट डेबिट 70, अब इस पे क्या है, मैं बाद में आता हूं 2 मिनट पे। शेयर की फेस वैल्यू अज्यूम करो 10 रुपए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 10 रुपीज, और फेस वैल्यू 10 रुपए, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत 100 रुपए। तो 10 रुपए फेस वैल्यू, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी 100 रुपीज। तो मैंने 10 रुपए फेस वैल्यू, मार्केट में उसकी वैल्यू 100 रुपए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 90 जाएगा। अब आप चिल्लाने लगे, ना 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 सर, ये आपने क्या किए, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी मार्केट में उसकी, सॉरी 10 रुपए की फेस वैल्यू थी मार्केट में 100 रुपए का था, लेकिन भाई आपने तो, लेकिन 100 रुपए आपने तो 70 में दियो, तो आप कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम में 90 ले जा सकते हो। नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोगों को 90 रुपीज ही लेके जाना है, क्योंकि फेस वैल्यू 10 थी, मार्केट में 100 रुपए कीमत है, इसका मतलब 90 रुपए ज्यादा तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में लिखे। मगर उस 100 रुपए में से आए हमारे पास 70 रुपीज ही। सर बचे हुए 30 काम है, चिंता ना करो बेटा, बचे हुए जो 30 थे वो आपके हिसाब आउटस्टैंडिंग में, ये 10 रुपीज, ये 10 रुपीज और ये 10 रुपीज। तो ये हिसाब आउटस्टैंडिंग, अगर मैंने सपोज यहां पे ये हिसाब आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाया, हर साल 10 रुपए क्रेडिट करते, इस पे 30 रुपए का मेरा क्रेडिट बैलेंस रखा हुआ, तो ये क्रेडिट बैलेंस को मैं यूटिलाइज करूंगा इस वक्त जब मैं शेयर एक्चुअल में अलॉट करता हूं इंप्लॉइज को, तो हिसाब आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। अब मैंने हिसाब आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कर लिया, तो एक हिसाब आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कर लिया, तो वो अकाउंट भी क्या हो गया बच्चों, क्लोज हो गया। और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट का क्या हुआ, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट तो हमारा हर साल कहां गया, पीएनएल अकाउंट में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट हर साल गया, और इस सब आउटस्टैंडिंग हमारा 3 साल तक बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में रिफ्लेक्ट होता है इस सब आउटस्टैंडिंग। और 3 साल बाद जब हमने शेयर दिए एम्प्लॉयज को कम कीमत पे, उस वक्त जितने भी हमने कम पे दी उसको हमने यूटिलाइज करे और वो अकाउंट को क्या कर दिए बच्चों, क्लोज कर दिए। तो ये होती जनरल एंट्री एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की। लेकिन इतना आसान एंट्रीज बहुत आसान है, मगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब हम लोग इसको ये एंट्रीज यहां पर देखो, ये एंट्री समझना बेटा, पहली एंट्री ये हर साल आपको क्या एंट्री पास कर, साल के आखिरी में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हिसाब आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जितने से आपने राइट ऑफ उसको करना है, ठीक है, हर साल राइट ऑफ करना है उसको, और SLM बेसिस पे मैं और कुछ अभी आपसे बात भी करने वाला। फिर उसको मैं कहां ट्रांसफर करता हूं, सर उसको तो आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, तो पहले मैंने डेबिट किया फिर पीएनएल में उसको ट्रांसफर कर दूंगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, वो हो गया क्लोज, क्योंकि आपने डेबिट करे, फिर हो गया आपने क्रेडिट करे। तो हर साल ये एंट्री आप जितने से राइट ऑफ करोगे, ये 2 एंट्री अपने को पास करना ही पड़ेगा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हिसाब आउटस्टैंडिंग। ये कहां चले जाता है, ये चले जाता है पीएनएल अकाउंट में। ये कहां जाता है, हिसाब आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में। अच्छा, ये भी तो इंटरेस्टिंग चीज है कि ये रिजर्व एंड सरप्लस में ही क्यों जाता है। अब देखो यहां पे, अब आप खुद सोचो इसका लॉजिक बता दो, इसको क्यों रिजर्व एंड सरप्लस में लिखते, क्योंकि ये सॉर आउटस्टैंडिंग जो है आप यूटिलाइज कर रहे हो अगेंस्ट शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना, आपने यहाँ पे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करो, तो आप ये सॉर आउटस्टैंडिंग को यूटिलाइज कर रहे हो अगेंस्ट शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, और शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम आपका शेयर होल्डर फंड का हिस्सा होता है बेटा, इसीलिए इसको रिजर्व एंड सरप्लस में ही हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं एज पर शेड्यूल 3। पहले वो जमाने में इसको करंट लायबिलिटी में हुआ करता था, मगर अब उसके बाद रिजर्व करंट डिपेंड, मतलब वो कितने साल बाद वो कन्वर्ट होने वाला शेयर्स में, लेकिन उसके बाद फिर चेंज आता है शेड्यूल 3 में, रिजर्व एंड सरप्लस में बताते। ओके, तो अब यहां पे आपने ये पहली एंट्री आपकी ये रहेगी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हिसाब आउटस्टैंडिंग, फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को आपने पीएल में ट्रांसफर करें। अब ये वाली जो एंट्री ना, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, ये जो थर्ड वाली एंट्री ना, इसको मैं कोई और कलर से हाईलाइट कर देता हूं, इसको मैं थोड़ी देर बाद में आपसे बात करूंगा, ठीक है। अब आपका ये आपने पहले हर साल ये 2 एंट्री पास करना है एवरी ईयर, ये हर साल वेस्टिंग पीरियड में ना, ये हर साल आपको ये एंट्री पास करना पड़ेगा, ये वेस्टिंग पीरियड हर साल ये एंट्री पास करना पड़ेगा। अब आप जब शेयर्स एट द एंड, जब आप शेयर्स दोगे ना, एट द एंड जब आप शेयर्स दोगे बेटा, तो फिर आपने अभी एग्जांपल अपन दिए कि 100 रुपीज का शेयर आपने 70 में दी, तो आपके पैसे कितना है 70,
सो बैंक अकाउंट डेबिट 70, ओके। जितने से कम कीमत पे ESOP आउटस्टैंडिंग, तो आपने पहले ESOP आउटस्टैंडिंग हर साल आप क्रेडिट कर रहे थे और यहां पे आप यूटिलाइज कर रहे, तो उसका आपने क्या कर दिया, यहां पे डेबिट करे। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, और आपको पता है आप इंटर के स्टूडेंट हो कि फेस वैल्यू ही लिखते हैं शेयर कैपिटल, तो आपने यहां पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू लिखे और बचा हुआ पूरा कहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आ गया। लेकिन अब ये जो दो एंट्री, इसके बारे में मैं अभी आऊंगा, जो एंट्री ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, इसके बारे में मैं थोड़ी देर पे आता हूं आप, ठीक है। ये मैं आपको, ठीक है, ये जो दो एंट्री मैंने हाईलाइट करा, अभी मैं एक चीज आपको यहां पे और यहां पे अभी कुछ समझाने वाला आपको, ये मैं डिस्कशन करता हूं वापस, फिर मैं यहां पे ये दो एंट्री पे आता हूं, ठीक है। अब ध्यान से बाप मेरी बात सुनो और अच्छे समझते, इतना तो समझ गया सर कि जो एक्सरसाइज प्राइस क्या है हमारी, मार्केट प्राइस क्या, एक्सरसाइज प्राइस मतलब आपने कितने में उसको आपने दिया ऑफर, ये ऑफर प्राइस रहते हैं उसको एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। तो एक्सरसाइज प्राइस मतलब मार्केट प्राइस और ऑफर प्राइस, आपने 100 रुपए की चीज आपने 70 में दी, तो जो जितने में दी उसको एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या है, ऑफर प्राइस, दैट इज एक्सरसाइज प्राइस कितना, जो बच गया दैट इज डिस्काउंट। तो आपको ये भी पता है उसका SLM बेसिस पे राइट ऑफ कर रहे हैं, वेस्टिंग पीरियड में राइट ऑफ कर रहे हैं, एंट्रीज भी हमने भी डिस्कस की। लेकिन दिक्कत है एक, और वो दिक्कत का अपन ने एक सोल्यूशन भी निकाल ली, वो मैं सोल्यूशन क्या मैं आपको थोड़ी देर में बात करूंगा, दिक्कत क्या पहले वो भी समझ लो। अब क्या हुआ, यहां पे अपन थोड़े से फिगर्स कुछ लेते समझते इस चीज को। मैंने कहा 1000 employees थे, ठीक है सर, 1000 employees थे, ठीक है, और एक शेयर पे जो हम डिस्काउंट दे रहे हैं ऑप्शन डिस्काउंट 30 रुपीज का, तो 1000 employees है, 30 रुपीज का एक शेयर पे, एक शेयर 1000 शेयर है, 30 रुपीज एक शेयर पे, तो हो गया 30,000 रुपीज का टोटल ऑप्शन डिस्काउंट हो गया। और 3 साल सपोज वेस्टिंग पीरियड है, तो ये 30,000 को मुझे, ये 30,000 रुपीज को मुझे राइट ऑफ करना है। क्या करना है बच्चों, ये 30,000 रुपीज को, ये 30,000 रुपीज को मुझको राइट ऑफ कर रहा है, ये 30,000 रुपीज को मुझे राइट ऑफ करना है। कितने साल में राइट ऑफ कर रहे हैं, 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो मैंने कहा 30,000 रुपए को 3 साल में राइट ऑफ करना है, इसका मतलब एक साल में कितना राइट ऑफ कर रहा है, एक साल में मुझे उसको 10,000 रुपए राइट ऑफ करना है। तो मैंने कहा 30,000 रुपीज को मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है, अगर 30,000 रुपीज मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है तो एक साल में मुझे कितना राइट ऑफ करना है, इसका मतलब एक साल में मुझे उसको 10,000 रुपए राइट ऑफ करना है। तो ठीक है, तो मैं उसको पहले साल 10,000 रुपए मैंने राइट ऑफ किया। अब मैंने कहा तो मेरे इंप्लॉइज को, सपोज 1000 employees और एक इंप्लॉय को एक शेयर अपन दे रहे थे, एग्जाम्पल समझ, इजी फिगर्स लो ताकि इजीली समझ जाए आपको। तो यहां पे 1000 employees से पहले साल के आखिरी में तो आपने इतने से 10,000 रुपए से राइट ऑफ करे, और आपने यही माने थे कि नेक्स्ट ईयर भी 10,000 से राइट ऑफ करूंगा, फिर उसके बाद वाले साल भी 10,000 से राइट ऑफ करो, 3 साल में 30,000 रुपए राइट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन यहां पे इस वेस्टिंग पीरियड को जो खत्म करे, उसके खत्म होने के पहले ही, 3 साल खत्म होने के पहले ही, पहले साल के बाद यहां पर क्या हो बच्चों, यहां पर 200 लोग क्या हो हमको, यह मैं बोलता कि पहले साल अपने सोचते कि इतना अपने को राइट ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन 200 लोग यहां पर क्या हो गया बच्चों, अपने उसके बाद छोड़ के अपने को चले गए। तो 100,000 में से 200 छोड़ के चले गए, तो उसको कहते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। व्हाट डू मीन बाय अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स का मतलब होता है कि वेस्टिंग पीरियड पूरा खत्म ही नहीं हुआ। मैंने क्या कहा आपसे, वेस्टिंग पीरियड पूरा खत्म ही नहीं हुआ। सो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स का मतलब कि वेस्टिंग पीरियड खत्म ही नहीं हुआ और कुछ इंप्लॉय छोड़ के चले गए। तो 1000 employee में से 200 employee सपोज छोड़ के चले गए। अब मैं आया दूसरे साल, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, अब अपन जब इसको यहां पे देखो गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, अपन ने पिछले साल सोचे थे कि 1000 employees है, लेकिन 1000 में से 200 क्या हो गया बच्चों, छोड़ के चले गए। अब छोड़ के चले गए 1000 में से 200, अब क्या हुआ यहां पे, अब दूसरे साल जब आप यहां पे, तो 1000 में से 200 छोड़ के चले गए, तो अब दूसरे साल जब आप यहां पर आए, तो आपने बोले कि 200 छोड़ के चले गए, बचे कितने बच्चों, 800। तो 800 employees है, 800 employees, और सपोज एक इंप्लॉय को एक शेयर दे रहे, सो 800 multiply एक शेयर पे कितना डिस्काउंट है, 30 रुपए। सो 800 multiply 30 कर दो कितना होता है, 24,000। 800 multiply 30 कर दो कितना होता है, 24,000। तो 800 multiply 30 करा 24,000, तो मैंने कहा मुझे ये 24,000 को 3 साल में राइट ऑफ करना है। तो मेरे वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने कहा मुझे पिछले साल मैंने ये कहा था कि 30,000 को 3 साल में राइट ऑफ करना है, तो एक साल में कितना, ऐसा पिछले साल का था, लेकिन मेरे पास कुछ इंप्लॉयज छोड़ के चले गए। तो इस साल मैं कहता हूं कि मुझे 24,000 को 3 साल में राइट ऑफ करना है, तो 2 साल में कितना। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, 3 साल में राइट ऑफ करना है तो 2 साल में इतना क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। इसीलिए कह रहे हो कि आप दूसरे साल के एंड में खड़े और आप ये सोच रहे हो
कि अगर मेरे को 24,000 रुपए 3 साल में राइट ऑफ करना था तो 2 साल में कितना कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा अगर ये 24,000 3 साल में राइट ऑफ करना है, ये 24,000 3 साल में राइट ऑफ करना है, तो 2 साल में कितना, तो वापस 16,000, मतलब 2 साल के खत्म हुए तक मैंने 16,000 रुपए राइट ऑफ कर लेना चाहिए। मैंने कहा 2 साल के खत्म हुए तक मैंने 16,000 रुपए राइट ऑफ कर लेना चाहिए था, लेकिन पिछले साल मैंने 16 में से 10,000 तो पिछले साल ऑलरेडी राइट ऑफ हो गए, तो मेरे को और इस 10,000 पिछले साल ऑलरेडी राइट ऑफ हो गए, तो मुझे इस साल और कितने से राइट ऑफ करना पड़ेगा, 6,000 रुपए से ही, क्योंकि 16,000 रुपए 2 साल के आखिरी तक होना चाहिए था। 16,000 में से 10,000 पिछले साल ही राइट ऑफ कर लिया, तो इस साल कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा मेरे को, 6,000। तो इस अब यहां पे क्यों, क्योंकि कुछ इंप्लॉय छोड़ के चले गए। तो इतना आसान नहीं है कि मैंने बोला 30,000 3 साल तो हर साल 10-10 कर दो, सोचे तो वैसे ही थे, लेकिन कुछ इंप्लॉय छोड़ के चले गए तो वो गड़बड़ा गया कैलकुलेशन। तो अब हमने पहले 1,000 इंप्लॉयज थे, अब कितने इंप्लॉयज हो गए, 800 इंप्लॉयज हो गए। अब अगर आए यहां पर दूसरा साल खत्म हुआ तो यहां पर 800 में से फिर 100 इंप्लॉय छोड़ के चले गए, तो 800 में से 100 इंप्लॉयज छोड़ के चले गए, तो फिर मैंने कहा तीसरे साल के आखिरी में 700 ही बचे। अब 700 बचे और एक पे डिस्काउंट 30 रुपए का, तो 700 मल्टीप्लाई अगर 30 में करूं तो वहां पर 21,000, तो मुझे 21,000 रुपए तीसरे साल मुझे पता चला कि भाई और 100 इंप्लॉय छोड़ के चले गए, तो मुझे तीसरे साल पता चला कि भाई मुझे 30,000 3 साल में राइट ऑफ नहीं करना था, ना ही तो 24,000 3 साल में, 21,000 3 साल में राइट ऑफ करना चाहता। तो 21,000 अगर 3 साल में राइट ऑफ करना, तीसरे साल के आखिरी तक मैंने पूरे 21,000 को राइट ऑफ कर देना चाहिए था, लेकिन 21,000 को राइट ऑफ कर देना चाहिए तीसरे साल के आखिरी तक, लेकिन 21 में से मैंने कितने राइट ऑफ कर चुका हूं, 21 में से मैंने ऑलरेडी पहले 10,000 और 6,000, तो ऑलरेडी मैंने ये 10,000 और 6,000 राइट ऑफ कर चुका हूं, तो 21 में से 10 और 6 16,000 ऑलरेडी पिछले सालों में राइट ऑफ कर चुका हूं, तो मुझे इस साल कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, 5,000 राइट ऑफ करना पड़ेगा। सो ये तो दिक्कत है, हाँ दिक्कत तो है, ये एंट्री सिंपल है कि भाई एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईएसओप आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को पीएल में ट्रांसफर, एंट्री सिंपल है, लेकिन सर इतना आसान नहीं है। क्यों, वो इसीलिए क्योंकि हर साल एम्प्लॉयज को छोड़ के जा रहे और वो वेस्टिंग पीरियड कवर नहीं करो, उसे हम कहते हैं अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। तो जब एम्प्लॉयज कवर नहीं कर रहे थे, जब एम्प्लॉयज कवर नहीं कर रहे थे यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड, जब एम्प्लॉयज कवर नहीं कर रहे तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे कि वेस्टिंग पीरियड जब एम्प्लॉयज कवर ही नहीं कर रहे तो बीच में कोई छोड़ के चले जा रहे, तो हमारा जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस था उसका कैलकुलेशन चेंज हो जा रहा है। अब यहां पे 10,000 राइट ऑफ करे, 6,000 राइट ऑफ करे और 5,000 राइट ऑफ करे। अब आगे और कुछ चीज है उसको मुझे एक्सप्लेन कर, उसके बारे में मैं आता हूं। अब यहां पे ये जो कैलकुलेशन है वो और एक और चीज के बारे में मुझे यहां पे बात करना है, इसके बारे में उस पर मैं आता हूं 2 मिनट। लेकिन ऐसा कोई तरीका, मैं हमेशा सोचता था कि यार बच्चों को ऐसा तरीका, एक आसान तरीका मैं बता दूं कि एग्जामिनेशन में एंट्रीज तो सही कर लोगे लेकिन आप लोग अमाउंट में गड़बड़ ना करें। मैंने क्या कहा, एंट्रीज तो एग्जामिनेशन आप सही कर लोगे लेकिन अमाउंट लिखने में गड़बड़ ना करो, ये कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस से गलती होना, इस अमाउंट में गलती नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एक टेबल है आपके नोट्स में दिया हुआ है बेटा, हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट में बनाता हूं और इस वर्किंग नोट में आप देखोगे यहां पे इसके 6 स्टेप है। ये 6 स्टेप अभी अपन लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें तो 6 स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 अपन सॉल्व करेंगे तो आपके 6 स्टेप में वहां पर डिस्कस करूंगा और 6 स्टेप्स में आप वहां पे देखोगे कि कभी ऐसा होगा नहीं कि आपने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस आपको कितना राइट ऑफ करना है उसका अमाउंट गलत आए, हमेशा सही आएंगे। ये मैं आपको सिखाऊंगा ये 6 स्टेप कैसे आपको फॉलो करना है, ये टेबल अपने को हर क्वेश्चन में बनाना रहेगा और ताकि हमसे कोई गड़बड़ ना हो, कोई गलती हमसे ना हो। तो ये टेबल अभी आसान कब होगा, जब ये अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे फिगर्स रहेंगी तो वो फिगर्स मैं यहां पे लिखूंगा तो आसानी से अपना वहां पे हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से बात मेरी बात सुनेंगे। तो टेबल अपने को ये हेल्प करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल अपने को हेल्प करेगा ये चीज कैलकुलेट करने में कि अपने को हर साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कितने से राइट ऑफ करना है। क्योंकि क्या होता है कि ये वेस्टिंग पीरियड में कई एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाते तो कैलकुलेशन चेंज हो जाता, तो ये टेबल में बराबर वो कैलकुलेशन आप कर पाओगे, अमाउंट सही आएगा और आप सही सही क्या करोगे बेटा वहां पे जवाब दोगे। ओके, अब वहां पे मैं आ गया तो अब यहां पे आते
कि अब मैंने कहा कि यहां पे जो आपने ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाया था, मैं ये ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाता हूं, ठीक है। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कहां गया, वो गया किधर गया, हर साल वो पीएनएल अकाउंट में चले गया। ओके, हर साल वो पीएनएल अकाउंट में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट चले गया। लेकिन जो ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट था, ये वाला जो है ना ESOP आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट करे, तो यहां पर आपने पहले साल 10,000 रुपए से क्रेडिट करे, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस से रिफ्लेक्ट हो रहा। फिर आपने नेक्स्ट ईयर उसको क्रेडिट करे कितने से, आपने नेक्स्ट ईयर उसको फिर 6,000 रुपए से क्रेडिट करे, फिर आपने थर्ड ईयर उसको कितने से क्रेडिट करे, 5,000 रुपए से क्रेडिट करे। तो आपने 10,000 से 6,000 और 5,000 आपने उसको हर साल क्या करे वहां पे क्रेडिट करे, तो तीसरे साल मेरे पास इसमें बैलेंस आ रहा है 21,000 रुपए बैलेंस आ रहा है, ठीक है, तीसरे साल के आखिरी। अब क्या हुआ यहां पे कि मैंने तो पहले साल के आखिरी में सोचा था कि 1,000 इंप्लॉइज रहेंगे, वेस्टिंग पीरियड पूरा कवर करेंगे और मेरे शेयर्स खरीदेंगे कम कीमत में, 200 छोड़ के चले गए तो फिर मेरे को लगा 800 लोग लेंगे, फिर 800 में से फिर 100 छोड़ के चले गए तो 700 ही बचे। लेकिन ये 700 ने वेस्टिंग पीरियड कवर करे, इनको ये ऑप्शन दिया गया कि वेस्टिंग पीरियड खत्म करे बाद आप क्या एक कम कीमत पे शेयर्स खरीदना चाहते हो क्या, ऑप्शन है कंपल्शन नहीं है, मेरी वर्डिंग ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं इनको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है कंपल्शन नहीं है बेटा, ऑप्शन है कंपल्शन नहीं। तो अगर ये 700 में से 200 ने ही सपोज एक्सरसाइज पीरियड था अब यहां पर आपका, तो एक्सरसाइज पीरियड में 3 साल तो हो गए खत्म, अभी एक्सरसाइज पीरियड में क्या हुआ कि 200 लोगों ने नहीं खरीदे और 700 में से 200 ने नहीं खरीदे, 500 ने ही खरीदे, तो भाई साहब जब मैं यहां पे इस ये एंट्री जब मैं यहां पे पास करता हूं ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, तो ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट जब मैं डेबिट करूंगा यहां पे 700 में से तो 500 इंप्लॉइज ने ही लिए ना, 200 ने वेस्टिंग पीरियड खत्म करे लेकिन उनने खरीदना नहीं चाहे, बाद में कंपल्शन नहीं ऑप्शन है, 500 ने खरीद ली। तो यहां पर तो मैंने कहा कि जब मैं इसको यूटिलाइज करूंगा ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट को, जब मैं शेयर्स इनको दूंगा एक्सरसाइज पीरियड में जब वो खरीदेंगे, तो मैंने कहा 500 एम्प्लॉइज 30 रुपए, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो ये तो डेबिट मैंने 15,000 रुपए से किया यहां पे, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 30, सर 700 मल्टीप्लाई बाय 30 करो, नहीं 700 लोगों ने वेस्टिंग पीरियड खत्म करे लेकिन 700 में से 200 ने खरीदना नहीं चाहे, तो मेरे को खरीदे कितने, 500 ने, तो 500 को ही तो मैं जब उनको शेयर अलॉट करूं तो ESOP आउटस्टैंडिंग यूटिलाइज करा। अब यहां पे मेरा बैलेंस आ जा रहा है 6,000 रुपए का, 6,000 ही आ रहा है ना, यस 6,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है। अब जब ये बैलेंस मेरा यहां पे 6,000 रुपए का, जब ये बच्चों ये बैलेंस आ रहा है, अब मैंने तो एक्सरसाइज पीरियड हो गया, अब क्या करूं 6,000 को, क्या ESOP आउटस्टैंडिंग को पढ़ा रहेगा हमेशा, नहीं पढ़ा रहेगा बेटा, जब एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया तो ESOP आउटस्टैंडिंग में अगर बैलेंस बचा रहा तो इसको हम ट्रांसफर कर देते जनरल रिजर्व में। क्यों जनरल रिजर्व में करते, क्योंकि जब आपने ESOP आउटस्टैंडिंग क्रिएट किए थे तो आपने पीएनएल अकाउंट के थ्रू ही कर दिया, आपने एंट्री पास से एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ESOP आउटस्टैंडिंग, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस पीएनएल नहीं गया था, तो आपने पीएनएल अकाउंट के थ्रू ही ESOP आउटस्टैंडिंग को क्रिएट किए थे, इसीलिए एक्सरसाइज पीरियड के बाद अगर कोई एम्प्लॉय ESOP आउटस्टैंडिंग में बैलेंस रह जाता है तो विल ट्रांसफर इट टू विच अकाउंट, विल ट्रांसफर इट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तब आप खुद सोचो ESOP आउटस्टैंडिंग का जो बैलेंस है उसको आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें, क्या एंट्री पास करें, आपने एंट्री पास करें ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री का जो बैलेंस था, तो मैंने कहा था ये एंट्री मैं आपसे डिस्कस करूंगा, देखो ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, लेकिन तब ये एक्सरसाइज पीरियड के बाद जब इसमें बैलेंस रह जाता है ESOP आउटस्टैंडिंग उसको हम ट्रांसफर कहां करते, जनरल रिजर्व। एक और एंट्री यहां पर भी आपको जो थर्ड नंबर की दिख रही है ESOP आउटस्टैंडिंग टू जनरल रिजर्व, इसके बारे में भी आगे आगे हम क्वेश्चन करेंगे जब मैं बात करूंगा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन होता है कि हमने फॉर एग्जांपल 5 साल का वेस्टिंग पीरियड, मेरी बात ध्यान से सुनो और ये बहुत अच्छे से अभी समझेगा जब आगे अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन ऐसी सिचुएशन आएंगी जो मैं आपको एंट्री नंबर थर्ड बता रहा हूं। सपोज वेस्टिंग पीरियड 5 साल का, 3 साल में मैंने 2 साल में सपोज ऐसा मैं फिगर लेके समझाता हूं, 5 साल का 1, 2, 3, 4, 5 यहां पे मैंने 10,000 राइट ऑफ किया, यहां पे 10,000 राइट ऑफ किया, लेकिन दूसरे साल में कि मैं दूसरा साल खत्म हो तीसरे साल में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, तो हमारा कैलकुलेशन बदल जाता है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस का। तो मेरे को पता चला कि 3 साल में मेरे को राइट ऑफ जो करना चाहिए था क्योंकि एम्प्लॉय बहुत छोड़ के चले गए, तो 16,000 रुपए ही 3 साल में राइट ऑफ करना चाहिए, टोटल 16,000। मैंने कहा टोटल 3 साल में 16 करना था, मैंने तो ऑलरेडी 10 और 10, 20 पहले ही राइट ऑफ कर दिया, पहले ही राइट ऑफ 20 कर चुका हूं, फिर ऐसा कैसे कि तीसरे साल में एकदम से कम हो गया। तीसरे साल इसीलिए कम हो गया क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए।
तो मेरे को तीसरे साल के आखिरी तक 16,000 राइट ऑफ करा था, मैं ऑलरेडी 20 ऑलरेडी पहले ही राइट ऑफ कर चुका, तो मैं जितना तीसरे साल के एंड तक जितना राइट ऑफ करना था उससे ज्यादा ऑलरेडी पहले ही मैं राइट ऑफ कर चुका हूं। तो फिर तो भाई आपने ज्यादा राइट ऑफ कर चुके हो, तो उस केस में आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो व्हाट एंट्री वी पास एंट्री एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, जस्ट रिवर्स इट, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू, हम उसको ट्रांसफर कहां कर देते, जनरल रिजर्व। तो इसके बारे में ज्यादा फिक्र मत करना, अभी क्वेश्चन आएगा। तो कभी एक्सेस में आप उसको राइट ऑफ कर देते हो तो फिर रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे एक्सेस कब होते इसके बारे में आगे अपन अभी बात करेंगे। तो अभी आपको इतना सिर्फ समझना है कि आपने हर साल जो राइट ऑफ करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, द बैलेंस ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस विल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। सो एट द एंड ऑफ द इन द पीरियड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड व्हेन यू विल अलॉट द शेयर यू विल पास एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और हर साल ये एंट्री आपको पास करना और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को पीएल में ट्रांसफर करना रहेगा। अब एक्सरसाइज पीरियड खत्म बाद ईसॉप आउटस्टैंडिंग जो भी बैलेंस होंगे दैट विल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और कभी कभी आपने अगर बीच पीरियड में अपन देंगे ज्यादा प्रोविजन ज्यादा आपने राइट ऑफ कर दी तो अपने को रिवर्स करना पड़ता है। रिवर्स कैसे करेंगे उसकी फिक्र मत करना, अभी आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा डिस्कशन ऑप्शन थोड़ा डिस्कशन और बचा है। ऑप्शन डिस्काउंट यू नो, ऑप्शन डिस्काउंट को अपने को राइट ऑफ करना था वेस्टिंग पीरियड में एसएलएम बेसिस पे, ओके। एक्सरसाइज प्राइस आपको पता है जो कीमत पे अपन ऑफर करें उसको एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। व्हाट इज ग्रेडेड वेस्टिंग, ने ग्रेडेड वेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला मैं आपको जब ग्रेडेड वेस्टिंग के जब अपन बात करेंगे। अब आपको एंट्रीज मैंने बता दी और ये टेबल क्या होता है इसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन तो क्या एंट्रीज तो पास कर लेते लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है, हम लोग से ये गड़बड़ हो जाती है कि हमने अमाउंट बराबर कितने से हर साल राइट ऑफ कराए, क्या वो अमाउंट को अपन ने प्रॉपर कंसीडर करे है कि, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्टेप्स आपको 6 स्टेप फॉलो करना है, फिर 2 साल का 5 साल का 10 साल का बोले हर साल का बराबर अमाउंट आएगा कितने से अपने को राइट ऑफ करना रहेगा। मैं पहले बहुत सोचता था अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा कौन सी तरीका निकालू कि बच्चों को आसानी से हो जाए इसमें गड़बड़ ना। फिर मैंने एक बैच में इन्वेंट किया, मतलब यार यही सही तरीका है, सो मैं खुद ही सोचता फिर बच्चों को हमेशा मैं टेबल बनवाता हूँ, इससे बराबर आंसर आता है और ये अमाउंट अपने को वहां पे जर्नल एंट्री पास करते वक्त इस अमाउंट को वहां पे लिखना रहेगा। तो ये रहा हमारा डिस्कशन अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब अपन इसके ऊपर क्वेश्चन आते, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो ये नोट्स को आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने दिया हुआ है उस पर जाके ज्वाइन करके आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जब जब डेली जब यहाँ पे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे, रेगुलरली वीडियोस अपलोड आएंगे, कभी हो सकता है कि गैप हो जाए, और आपको मगर टारगेट है कि 1 मंथ में पूरी बैच को अपन कंप्लीट करेंगे रिवीजन बैच को, ओके। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे, ओके। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहे हैं आपसे, पी लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10 ईच ऑन 1st October 2010 at ₹80 when the market price was ₹170। आसानी से अच्छे से समझना हर एक मेरी बात को। आपके पास नोट्स अगर मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूं तो आप भी लिख सकते हो, उसका दरअसल सारी चीज प्रिंट है लेकिन एक्सप्लेनेशन कोई चीज मैं लिखता हूं तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हो। अब समझना मैंने कहा आपसे कि यहां पे 1/4 कब करे आपने, 1st October, ठीक है, 1st October 2010 को यह है ग्रांट डेट और इस तारीख को अपन ने ऑफर करे जब मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कहता है कि 170 की थी। तो मैंने ₹170 में ऑफर किया जब एक्सरसाइज प्राइस कितनी थी उसकी, सॉरी मार्केट प्राइस 170 मैंने कितने में ऑफर किया, 80 में। ये 10 से कंफ्यूज मत होना, ये फेस वैल्यू 10। तो मैंने जो ऑफर किया उसको हम कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस, उसको मैंने किया ₹80 में। तो मैंने 170 की चीज को 80 में किया तो बचा कितना यहां पर ₹90। तो ₹90 ये डिस्काउंट हुआ ऑप्शन डिस्काउंट जो कि मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा इसके वेस्टिंग पीरियड इसका जो रहेगा उसमें अपने को ₹90 को क्या करना रहेगा बच्चों, राइट ऑफ करना रहेगा। अब इसको अच्छे समझते, ये कहते हैं कि वेस्टिंग पीरियड है 4.5 years का, अच्छे समझ वेस्टिंग पीरियड कितना है 4.5 years का। तो आप करें 1 अक्टूबर 2010 को 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो काउंट करो, तो पहले साल यहाँ पे 6 महीने में अपना जो खत्म हो रहा है 31st मार्च 2011, अभी 6 महीने में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31st मार्च को,
तो 6 महीने आपके, ठीक है, 1 अक्टूबर 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 पहला फाइनेंशियल ईयर जब खत्म है, लेकिन 6 महीने खत्म हुआ, ग्रांट डेट से भी 6 महीने हुए। फिर दूसरा साल यहां पे 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, कितने साल हो गए, 6 मंथ, 1 साल, 1 साल, 2.5 साल। फिर 31 मार्च 2013 कितने हो गए, 1, 2, 3 है ना, 11, 12, 11 फिर 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल यहां पे। 31 मार्च 2014, नहीं 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 कुछ गड़बड़ हुई, एक सेकेंड, 1 अक्टूबर 2010, 11, 12, 13, 4.5 ईयर ना, तो 6 मंथ, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर, ठीक। अब ध्यान से बात मेरी बात सुनेगी बेटा, अब देखो आपसे क्या कह रहा हूं कि टोटल कितने उसने बोला कि उसने आपसे कहा कि 4.5 ईयर टोटल है बेटा। हाँ मैं बोला ना कुछ गड़बड़ी, ये 2014 होना था, सॉरी ये 14 और ये 15, ओके ठीक है बराबर, आप सही हुआ। अब ध्यान से सुन, तो यहां पे अपने को से क्या कहा बेटा कि यहां पर अपने कितने कितने इंप्लॉइज होते हैं इक्विटी शेयर, 8000, लेकिन वो कहते हैं कि 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेप्स ऑन 1st of December 2012, 1st of December 2012 मतलब यहां पे 1st of December 2012 को 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेप्स, मतलब जिन्होंने वेस्टिंग पीरियड को खत्म ही नहीं करे, जिन्होंने 4.5 साल खत्म नहीं करे, बीच में ही छोड़ के चले गए। तो मुझे पहले ये यहां पर लगा था कि 8000 इक्विटी शेयर्स रहेंगे, यहां पर भी लगा था 8000 इक्विटी शेयर्स रहेंगे, लेकिन वो 8000 में से आगे 4000 छोड़ के चले गए, तो यहां पे कितना लगा, 4000 हो गए। तो यहां पे लगा कि मुझे यहां पे लगा कि यहां पे कितना रहेगा वो 8000, यहां पे भी लगा 8000, फिर बीच में 4000 छोड़ के चले गए, तो 8 - 4 कितना हुआ, 4। और उसके बाद आगे कहते 3000 ऑप्शन वेयर एक्सरसाइज, यहां पर भी 4000 ही रहे, यहां पर भी 4000 ही रहे। अब ध्यान से समझना, आगे कहते अपने से ये क्या हुआ, ये वाला जो पीरियड है ना, स्पेस है, ये जो पीरियड है ना बेटा, यहां से यहां तक ये है वेस्टिंग पीरियड आपका। अब यहां पर जो ये वेस्टिंग पीरियड है, इसको हाईलाइट ग्रीन कलर से करो, ये वेस्टिंग पीरियड है, और यहां पे ये एक्सरसाइज पीरियड है आपका, यहां पे वो खरीदेंगे इसको। तो कितने लोगों ने खरीदे, 3000, लेकिन यहां पे सर आपने तो वेस्टिंग पीरियड तो 4000 लोगों ने खत्म करे, लेकिन क्या खरीदे 3, हां कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है। क्या है बच्चों, ये ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है, तो 4000 में से 3000 लोगों ने ही खरीदे। अब आप बोलेंगे चलो एंट्री पास करो, अब एंट्री आप बोलेंगे 90 रुपीज पर शेयर आप यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना अपन डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे बच्चों, 90 रुपीज पर शेयर अपन डिस्काउंट दे रहे, तो बड़ा आसान है, अब कर दे मल्टीप्लाई। अरे भाई गड़बड़ हो जाएंगी, पहले साल 8 थे, फिर 8, फिर 4, फिर 4 और फिर 4, तो जो कैलकुलेशन था SLM को गड़बड़ा जाएगा, आपको बराबर हर साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं एंट्रीज पे आऊ, उसके पहले अपन क्या कर लेते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें 6 स्टेप अपने को करना रहेगा। याद रखना, आपका जो आने वाला अटेम्प्ट है नवंबर 23 विल बी लास्ट अटेम्प्ट फॉर सी एंटर, कसम खा लो नवंबर 23 पास करना है और सीधा अपने को न्यू सिलेबस में सीए फाइनल देना है बेटा। जान लगा दो और खूब मेहनत करो। हर कोई देखो सीए ना, बट शोर मचता है, बहुत डिफिकल्ट है, अपने से कहीं कमी रह जाती जब भी बैक आता है ना, है ना, पास भी होते ना लोग, बुरा बहुत लगता है जब रिजल्ट आता है, यार अपन रह गए, लेकिन पास भी तो होते हैं, बस अपने को ये पहचान है कि गलतियां कहां हुई और अगले अटेम्प्ट में अपने को पास करना ही, और अकाउंट्स में लिख लो एडवांस अकाउंट में 70 के ऊपर अपने को लाना ही है, पूरी जान लगा दो। अब समझते हैं अपन कि ये 6 स्टेप्स कौन सी है, ये 6 स्टेप्स कौन सी जो मैं कह रहा हूं कि जो हर साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस जो मेरे को राइट ऑफ करना है उसका अमाउंट मैं कैसे तय करूं। अब समझो वो 6 स्टेप आपके नोट्स में ऑलरेडी प्रिंटेड, अब ध्यान से समझना, ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, मैं इसको जूम कर लेता हूं एक एक साल, ठीक है, ये बेहतर है, ठीक है। अब सुनो, मैंने कहा पहले साल यहां पे कितने थे, पहले साल इधर देख लो, पहले साल 8 थे फिर 8 थे फिर 4 4 4 थे, ठीक है, फिर बीच में 4000 छोड़ के चले गए। अब सुनो मेरी बात, तो मैंने कहा पहला साल नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, कितने एक्सपेक्ट करते आपके ऑप्शन 31st मार्च 2011 को, 8000 सर, ठीक है। एक पे कितना डिस्काउंट दे रहे, कंपनसेशन एक्सपेंसेस पर ऑप्शन
90 रुपए, दैट इज नथिंग बट डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट है पर ऑप्शन 90 रुपीज का। थर्ड स्टेप, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस कितना होगा फिर, स्टेप वन मल्टीप्लाई बाय स्टेप टू, तो मैंने कहा 8000 मल्टीप्लाई बाय 90, दैट्स कम 720,000, 8000 मल्टीप्लाई बाय 90, दैट्स कम 790,000, तो ये आपका 790,000 ये आपका। तो इसका मतलब मुझे ये पता चला कि मुझको तो ये 720,000 रुपए राइट ऑफ करना, कितने सालों में करना है, 4.5 ईयर्स, कितने सालों में करना है बच्चों, 4.5 ईयर्स। तो मैं कहता हूं कि अगर मुझे 720,000 4.5 साल में करना है, अभी कितना समय बीता है, अभी तो सर 6 महीने ही बीते ना, 1 अक्टूबर ग्रांड डेट थी, 6 महीने ही बीते ना, तो मैं कहता हूं अगर मुझे 720,000 रुपए राइट ऑफ करना है 4.5 साल में, तो फिर हाफ ईयर में कितना, तो दैट्स 0.5, तो 720,000 अगर मेरे को 4.5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है तो 0.5 में कितना, क्योंकि अभी 0.5 ही गुजरा है, तो दैट इज 80,000, तो मेरे को 80,000 रुपीज राइट ऑफ करना है 6 महीने। क्या मैंने इसके पहले कभी राइट ऑफ करा नहीं, अरे पहले ही साल कहां राइट ऑफ करे, तो आपने फोर्थ मेरे के 80 इसके पे कंपनसेशन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली, आंसर इज नो, क्योंकि पहला साल ही ना आपने पहले इसको राइट ऑफ करे क्या, नहीं, तो यहां पर आपने इसलिए 0 लिखे। अब आपको इस साल कितना माइनस रिकॉग्नाइज करा, दैट इज स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप 5, ये होता है, ठीक, चाहो तो आप लिख लेना। सो 80,000 रुपए मेरे को राइट ऑफ करना चाहिए था इस साल के आखिरी तक, पहले साल मतलब 6 महीने हुए, और क्या मैंने अभी तक कुछ राइट ऑफ करा के नहीं, तो 80 माइनस 0 इट्स विलकम 80,000। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं स्टेप, मैंने सबसे पहले देखा कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं कि कितने शेयर्स की रेस्ट्रिक्टेड खत्म करेंगे, 1000, एक पे डिस्काउंट कितना दे रहा हूं 90 रुपए, सो 8000 मल्टीप्लाई बाय 90, दैट्स कम 720,000, 720,000 में 4.5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है, तो 6 महीने में कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा, दैट्स कम 80,000, दैट्स कम 720,000 डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो दैट्स कम 80,000, तो 80,000 मेरे ये 6 महीने में राइट ऑफ होना हो जाना चाहिए था, 6 महीने के एंड तक ये 80,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। क्या मैंने पहले कुछ राइट ऑफ करा, नहीं, पहला ही साल है भाई साहब, इसलिए यहां पर क्या लिखा है 0, तो 80,000 माइनस 0 दैट्स कम 80,000, पहले साल कितना राइट ऑफ करा 80,000। अब मैं आता अगले साल पे, और मैं नेक्स्ट ईयर पे आया, मैंने कहा कि वो 4000 छोड़ के कब गए, बीच में मतलब थर्ड ईयर में होंगे, तो नेक्स्ट ईयर भी 8000 था, ठीक है, 90 रुपए डिस्काउंट का अमाउंट, तो 720,000 टोटल मेरे को राइट ऑफ करना बराबर है, टोटल मतलब 80,000 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट्स कम 720,000, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट्स कम 720,000, मेरे को 720,000 राइट ऑफ करना कितने साल में, 4.5 साल। अभी कैलकुलेशन को थोड़ा समझना, मैंने कहा कि 720,000 मुझे राइट ऑफ करना है 4.5 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 4.5, तो अभी 1.5 साल हुआ, 1.5, तो 1.5 साल तक के कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए, 720,000 अगर 4.5 ईयर्स में, तो फिर 1.5 ईयर्स में कितना हो जाना चाहिए, 240,000, इसका मतलब अभी 1.5 ईयर्स तक के मेरा 240,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए, 1.5 साल के एंड तक के मेरा 240,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए। क्या मैंने पहले कोई राइट ऑफ कहा, हाँ 240,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन पहले आपने 80 ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके, तो दूसरे साल के एंड तक 240,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए, जिसमें से 40,000 मैं पहले ही राइट ऑफ कर चुका, सॉरी 80,000, जिसमें से 80,000 रुपीज मैं पहले ही राइट ऑफ कर चुका हूं, तो अगर 240,000 में से मैं 80,000 पहले ही राइट ऑफ कर चुका हूं, तो मुझे और कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा इस साल, 1,60,000, 2 लाख, दिस स्टेप नंबर 6 स्टेप नंबर 4 माइनस 5, तो 2,40,000 माइनस 80,000 दैट्स कम 1,60,000, तो 2,40,000 मेरे को सेकेंड ईयर के एंड तक राइट ऑफ कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने कितना राइट ऑफ करा पिछले साल 80, तो 1.5 साल तक मेरे 240,000 राइट ऑफ होना चाहिए, मैंने 80 ही राइट 80 पहले ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, तो मुझे इस साल कितना करना पड़ेगा 1,60,000। अब मैं आता हूं तीसरे साल में, तीसरे साल भाई साहब धोखा हो गया हमारे साथ, क्या धोखा हो गया, अब धोखा यह हो गया कि 8,000 में से 4,000 चले गए, तो 8 में से 4 गए तो बचे कितने 4, 90 रुपए का डिस्काउंट, तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट्स कम 3,60,000। अब यहां पे मेरे को पता चला कि नहीं सर, ये 3,60,000 को मुझे राइट ऑफ करना है 4.5 ईयर्स में, क्योंकि कुछ इंप्लॉयज छोड़ के चले गए, तो ये 4.5 ईयर्स में इतने को करना है, तो अभी कितने साल हो गए, 2.5 साल हो गए ना, 2.5, तो यहां पे 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5,
ये आता है आपका 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए 2.5 साल में राइट ऑफ हो जाना चाहिए। सर आप बोलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि 7,20,000 रुपीज मेरे को 4.5 साल में राइट ऑफ करना है, तो 6 महीने में कितना। फिर आपने कहे कि 7,20,000 बराबर है कि 4.5 साल में करना है तो 1.5 साल में कितना। मगर आप यहां पर बोल रहे 3,60,000 को मेरे को 4.5 साल में राइट ऑफ करना, ऐसा क्यों? पहले तो आप 720 कह रहे थे, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 3,60,000 को मुझको राइट ऑफ करना। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, 3,60,000 को मुझको राइट ऑफ करना, 3,60,000 को मुझको राइट ऑफ करना है, कितने साल में, 4.5 ईयर्स में। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 8,000 में से 4,000 छोड़ के चले गए, 8,000 में से 4,000 छोड़ के चले गए बच्चों, इसीलिए यहां पे अमाउंट उसका आधा हो गया, 7,20,000 का आधा 3,60,000 हो गया। अच्छा तो कैलकुलेशन किया मैंने, 3,60,000 रुपए मुझको 4.5 साल में, तो फिर 2.5 साल में कितना, 2.5 ईयर्स हो गए, तो वहां पे 2 लाख। लेकिन मैंने कहा कि 2 लाख रुपए मुझको राइट ऑफ करना है, 2 लाख रुपए मुझको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो मैंने कहा कि 2 लाख रुपए मेरे को राइट ऑफ करना है, कितने साल है, 2.5 ईयर्स में। आपने 2.5 साल तक के, मेरी ना जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुना, 2.5 ईयर्स तक के मुझे कितना राइट ऑफ करना है, 2.5 साल तक के मुझको राइट ऑफ कर लेना चाहिए था 2 लाख रुपए। लेकिन मैंने कहा सर मैं तो ऑलरेडी पहले ये 80,000 को राइट ऑफ करा और 1,60,000 को राइट ऑफ करा, तो मेरे को 2 लाख रुपए राइट ऑफ करना चाहिए था 2.5 ईयर्स में, लेकिन मैं ऑलरेडी 80 + 160 दैट्स 240, तो मैं ऑलरेडी पहले ही राइट ऑफ कर चुका हूं। सो आउट ऑफ 2 लाख मेरे को 2 लाख राइट ऑफ था, तो उसमें लेकिन मैं ऑलरेडी पहले 80 और 160 तो ऑलरेडी पहले राइट ऑफ कर चुका हूं, इसका मतलब मैंने 240 राइट ऑफ कर चुका हूं, तो ज्यादा राइट ऑफ कर चुका हूं, तो इसलिए यहां पे नेगेटिव आ रहा है 40,000। तो नेगेटिव क्या आएगा, वो एक्सेस हो गया, एक्सेस राइट ऑफ हो गया, तो रिवर्स करना पड़ता है। रिवर्स कैसे करना पड़ता है, अभी मैं आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा। अब मैं आता फोर्थ ईयर में, अब यहां पर कितने थे अपने एक्सपेक्टेड थे कि 4.5 का वेस्टिंग पीरियड खत्म करेंगे, यहां पर भी एक्सपेक्टेड थे हमारे 4,000, कितने रुपए का डिस्काउंट, 90 रुपीज, क्योंकि अब वो 8 में से 4 चले गए, तो ऑब्वियसली वेस्टिंग पीरियड अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4,000 कवर करिए, तो 4,000 × 90 दैट्स कम 3,60,000। अब ये 3,60,000 को 4.5 ईयर्स में राइट ऑफ कर रहा, अब कितने साल हो गए, 3.5, तो यहां पे 3.5 लिखो, जूम करा इसलिए दिख नहीं रहा आपको, ओके। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 दैट्स कम 2,80,000, तो यहां पे 3.5 साल में 2,80,000 राइट ऑफ हो जाना चाहिए। लेकिन आपने कितना राइट ऑफ करे, आपने राइट ऑफ करे पहले 80 160, सो 80 + 80,000 +1,60,000 माइनस ही नेगेटिव है -40,000 दैट्स कम 2 लाख, तो आप पहले कितना राइट ऑफ कर चुके, 2 लाख, सो 2,80,000 आपको 3.5 साल में राइट ऑफ कर लेना चाहिए। आपने कितना राइट ऑफ कर लिया अभी तक के, 2 लाख, क्योंकि एक्सेस राइट ऑफ करते इसको आपने रिवर्स करे इसलिए नेगेटिव लिखा है। उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर, ओके। सो 2,80,000 -2 लाख तो कितना आएगा, वो 80,000 से अपने को यहां पे राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब आते हैं अपन आखिरी साल में, वही 4,000 थे, 90 रुपए का डिस्काउंट 3,60,000, तो ये 3,60,000 कैसे है, अगर 3,60,000 मुझे 4.5 साल में राइट ऑफ करना, 4.5 साल के एंड में कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए, दैट विल कम 3,60,000। अब 3,60,000 आपने पहले से कितना राइट ऑफ कर चुके, पहले अपन ने ये 80 + 160 - 40 + 80, तो इसकी टोटल करो दैट्स कम 2,80,000 आप ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके, तो 360 में से 280 आप ऑलरेडी पहले राइट ऑफ कर चुके, तो 360 - 280 दैट्स कम 60,000। तो ये सबसे इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में एकदम 4.5 ईयर्स का, मगर मैंने बोला सबसे डिफिकल्ट सबसे मैक्सिमम ईयर वाला ले लो, तो रेगुलर बैच के क्वेश्चन में एक कर दो, मतलब सबसे ज्यादा वाला ले लो, तो ये करके चले तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेशन होता है। तो ये टेबल आगे आप देखोगे एग्जामिनेशन में एकदम बच्चों वाले एकदम चिल्लर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, एकदम ईजी और ईजी क्वेश्चन है आते, ठीक है। तो मगर मैंने ज्यादा पीरियड वाला जान के लिए, आप एक बार इसको समझ गए, एक बार अपने ये अमाउंट अपन ने निकाल लिया ना बेटा, तो खेल खत्म। आपने एक बार ये अमाउंट को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए तो फर्स्ट खेल खत्म, ये अपने को हर साल इतने से एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस बनाना रहेगा, खत्म हो गई बात, इतने से बनाना रहेगा, ओके। तो अब अपन आते हैं यहाँ पे, ये अपने देखे कि इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है, 6 स्टेप अपने को हर वक्त हर क्वेश्चन में इसको करना रहेगा। जरूरी नहीं है कि इतने साल रहेंगे, डिपेंड 1.5 साल 2 साल 2.5 साल मैक्सिमम देते, उससे ज्यादा नहीं देते, मगर मैंने 4.5 ईयर्स का जान के लिया ताकि आपको समझ में अच्छे से आ रहा। अब एंट्री क्या पास करेंगे इसकी, फर्स्ट ईयर 80,000 था, क्या एंट्री पास होगी इसकी, फर्स्ट ईयर आपका 80,000 था, नहीं 80,000 था, क्या एंट्री पास होगी, तो आपने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 80,000 टू
ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट 80,000। फिर ये कहां जाता है? पीएनएल में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। तो ESOP आउटस्टैंडिंग में आपका कितना है? ESOP आउटस्टैंडिंग में आपका 80,000 रुपए रखा हुआ। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस का वो पीएनएल में चलेगा, ठीक है। सेकंड ईयर में कितना आया आपका यहाँ पे? सेकंड ईयर में आपका आया, देखो यहाँ पे कितना आया था सेकंड ईयर में आपका यहाँ पे 1,60,000। तो आपने फिर यहाँ पे एंट्री पास करे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1,60,000। सिंपल। अब यहाँ पे आपका ESOP आउटस्टैंडिंग 1,60,000 भी आ गया। अब एम्प्लॉय कंपनसेशन किधर जाता? पीएनएल में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 1,60,000। अब थर्ड ईयर में आया बेटा, लेकिन थर्ड ईयर में क्या हुआ यहाँ पे कि 86, थर्ड ईयर में ये नेगेटिव आया, तो आपने एक्सेस में राइट ऑफ पहले कर दिया, तो आपको रिवर्स करना पड़ रहा है। तो जब ख्याल रखना, जब रिवर्स करते तो आप रिवर्स करने एंट्री क्या पास होगी? ESOP आउटस्टैंडिंग, जब आप राइट ऑफ करते पास एंट्री एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ESOP आउटस्टैंडिंग, ना रिवर्सिंग ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। आप उसको कहां लेके जाओगे? जनरल रिजर्व में, कि जनरल रिजर्व भी आपका फ्री रिजर्व है, पर उसको वहां पे एडजस्ट करते। तो आपने ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 40 टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्यों आपने इसको रिवर्स करे? क्योंकि एक्सेस प्रोविजन हो गया था। अब इसके बाद अपन आए फोर्थ ईयर में, यहां पर कितने से बनाना अपने को? 80 और फिफ्थ में भी 80, तो ये 80 से बनाना है। तो आपने यहां पे क्या एंट्री पास करे फोर्थ में? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 80,000 टू ESOP आउटस्टैंडिंग 80,000। अब यहां पे ESOP आउटस्टैंडिंग में 80 चले गए, अब इसमें जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में जो 80 थे, वेयर इट विल गो? इट विल गो टू पीएनएल अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 80,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, हाउ मच? 80,000। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 80,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट, हाउ मच? 80,000। अब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस जब आप यहां पर अब आए लास्ट ईयर, फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट 80,000। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कहां गया? पीएनएल में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट 80। अब अपन आ गए एक्सरसाइज पीरियड। तो मैं अगर यहां पे आपको समझने के लिए मैं कहता हूं, यहां पे मैंने ये बना ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब मैंने कब कब उसको क्रेडिट किया, इसको समझना। मैंने यहां पे क्रेडिट किया आपको 80, 160 और डेबिट भी किया, उसको भी लिख दूंगा 40 से डेबिट क्यों, 80, 160, 80, 80, 80, 80। तो मैंने क्रेडिट किया उसको 80,000, 160, 80, 80 और यहां पे भी 40 से डेबिट किया था, 40,000 से डेबिट किया था। ओके, अब यहां पे टोटल वेस्टिंग पीरियड कितने लोगों ने कवर कर, कितने कवर करे? 700। लेकिन अपन ने कितने मगर एक्सरसाइज कितने ने करा यहां पे? मैंने लिखा एक्सरसाइज कितने ने करा यहां पे? 700 कहां से बोला मैंने? 4,000, कोई और पिछले एग्जांपल का बोल दिया, सॉरी 4,000 थे, मगर एक्सरसाइज कितने ने कर? 3,000। जरूरी था वेस्टिंग पीरियड खत्म कर तो खरीदो शेयर, खरीदना पड़ेगा। दादागिरी नहीं, नो दादागिरी, कंपल्शन नहीं, ऑप्शन। तो 4,000 में से कितने ने लिए? 3,000 ने। तो अब मैंने यहां पे एंट्री पास किया, मैंने यहां लिख भी दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 इक्विटी शेयर कितने में लिए? 80, मार्केट प्राइस 170, ठीक है 80 में। तो 3,000 मल्टीप्लाई में 70, 2,40,000। अब कितने का डिस्काउंट? 90। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 90, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 90 वार आपका 2,70,000। इक्विटी शेयर आपका फेस वैल्यू लिखते 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना है आपका? 30,000। फिर 3,000 1,70,000 मार्केट प्राइस है, फेस वैल्यू 10, तो 1,60,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 160, दैट्स कम 4,80,000 आपने एंट्री पास करे। तो आपने तो यहाँ पे इसको 2,70,000 से ESOP आउटस्टैंडिंग आपने यहाँ पे डेबिट करे, है ना? तो 2,70,000, लेकिन तो भी ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्लोज होता नहीं है। अब जल्दी से बताओ कि भाई ये ESOP आउटस्टैंडिंग क्लोज क्यों नहीं हो रहा? तो ये 4,000 शेयर्स ने वेस्टिंग पीरियड जो उन्होंने कवर कर दिया, 4,000 में से 3,000 नहीं एक्सरसाइज करा, इसका मतलब 1,000 ने नहीं करा। तो बैलेंस में बताओ कितना आएगा? इसका बैलेंस आपका आएगा, इट शुड कम 30,000। देखो आता है क्या, 80 + 160 + 80 - 40 - 2,70,000। ओके, इट शुड कम जस्ट, सॉरी 30 रुपीज डिस्काउंट, मैंने गलती से उसका 10 रुपए लिया, 3,000 रुपए शेयर्स थे और 30 रुपीज डिस्काउंट का अमाउंट था, तो इट विल कम 90,000। ये 90 बैलेंस कैसे आया? क्योंकि आपने यहां पे कितने लोगों ने शुरू करे, जस्ट 1 मिनट, डिस्काउंट 30 नहीं था, 1,000 शेयर्स ही, सॉरी
एक सेकेंड, ये 90 केस है, सॉरी 1000 शेयर्स ही थे, 10 रुपीज का ही डेट था, लेकिन आप सर 90 रुपीज का डिस्काउंट, गलती से मैं 30 लिखा। देखो कितने शेयर से बेटे यहां पे, एक ये 3000 में से, ये 3000 में से 3000 नहीं कवर, 1000 ने नहीं करते, 1000 नहीं करे, और 90 रुपीज डिस्काउंट था, सॉरी मैंने उसको गलती से 10 ले लिया था, इसलिए उसको एनीवेज ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 90, दैट्स कम 90,000। ये क्यों ऐसा बैलेंस आया आपका 90,000 रुपीज का, क्यों बैलेंस आया, इसीलिए 90,000 रुपीज का बैलेंस आ रहा आप लोगों का यहाँ पे, क्योंकि इन लोगों ने लिए नहीं ना, अगर ये ले लेते तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग क्लोज हो जाता था, फिर मैं यहाँ पे ये नहीं बोलता कि 3000 मल्टीप्लाई बाय 90 नहीं करता था, फिर सब ले लेते थे तो मैं 4000 मल्टीप्लाई बाय 90 करता था, इसलिए बैलेंस है। तो इट विल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सो व्हाट एंट्री विल पास एंट्री ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि एक्सरसाइज पीरियड खत्म हुआ, तो एक्सरसाइज पीरियड खत्म हुई, बट एम्प्लॉय ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 90,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट 90,000। ओके, तो यही बैलेंस जो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना, जो बैलेंस आएगा ये जो आ रहा था यहाँ पे, जो डिस्कस किया था 6,000 जो यहाँ पे है वही। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखो ये ना इंस्टीट्यूट इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आप बात को मेरी बहुत ध्यान से सुनेंगे, और अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर किया जो इंपॉर्टेंट और थोड़ा अलग अलग भी था, और वो पूछे नहीं है, तो हो सकता है एक आधा अटेम्प्ट में आपसे कोई कुछ ऐसे जो पूछे वाले भी क्वेश्चन, कुछ ऐसे जो पूछे नहीं, आरटीपी में दिया पूछा नहीं है, ये इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया है मगर पूछा नहीं, तो हो सकता है कि नवंबर 23 के अटेम्प्ट के इंतजार में और आपके अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन आ जाए। ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्या कहता है आपसे यहां पे, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 एन एंटरप्राइज ग्रांट 10,000 स्टॉक ऑप्शन टू सीनियर एग्जीक्यूटिव कंडीशनल अपॉन द एग्जीक्यूटिव रिमेनिंग इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एंटरप्राइज अंटिल अंटिल द एंड ऑफ द ईयर 3। उन्होंने क्या कंडीशन डाले, सीखे हम आपको 1000 स्टॉक ऑप्शन उन्होंने यहाँ पे ऑफर करे, लेकिन उन्होंने कंडीशन क्या डाले भी था, उन्होंने ये बोले कि भाई उनको 3 साल तक के काम करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज प्राइस कितना बोले उन्होंने 40। अब इसको समझना अच्छे से, मैंने कहा एक्सरसाइज प्राइस रुपीज 40, अच्छे समझना इसका। फिर आगे कहते एवरेज अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय एटलीस्ट एन एवरेज ऑफ 10% पर ओवर द पीरियड ऑफ 3। उन्होंने नहीं नहीं हम आपको 40 से भी कम पे देंगे, कितने 40 से भी कम पे देंगे हम आपको एक्सरसाइज प्राइस, मतलब कितने में दे रहे हम आपको 30 रुपए में दे देंगे उससे, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है इफ प्रॉफिट इंक्रीज बाय एटलीस्ट 10% एवरी ईयर, हर साल प्रॉफिट अगर 10% से बढ़ा तो हम आपको 30 रुपीज में भी दे देंगे, ठीक है देखते आगे। अब वो कहते हैं अपने से आगे, ऑन द ग्रांट डेट द एंटरप्राइज एस्टिमेटेड द फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शन विद एन एक्सचेंज प्राइस ऑफ ₹30 पर ऑप्शन। अब थोड़ा इसको अच्छे समझना, फेयर वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑप्शन कहा उसने, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मत समझ लेना। आज ही मैंने जब आपको थ्योरी समझा रहा था इस चैप्टर की बच्चों, तो मैंने क्या कहा था आपसे, फेयर वैल्यू और ऑप्शन रहा, दैट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ ऑप्शन डिस्काउंट। तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो कहता है अगर एक्सरसाइज प्राइस अगर 30 रही तो आपका ऑप्शन डिस्काउंट कितना, ₹16 का, उसने मार्केट प्राइस नहीं दिया, ठीक है अपने को डिस्काउंट का अमाउंट पता है, तो उसने कहा अगर एक्सरसाइज प्राइस ये 30 रहा तो डिस्काउंट कितने का, ₹16 का। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे कहता है इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज ₹40 द एंटरप्राइज एस्टिमेटेड स्टॉक ऑप्शन है फेयर वैल्यू ऑफ ₹12 पर, ये फेयर वैल्यू पर ऑप्शन है, डिस्काउंट अमाउंट है। तो उसने कहा अगर एक्सरसाइज प्राइस अगर 40 रही तो डिस्काउंट कितना रहेगा आप लोगों का, ₹12 का क्या रहेगा बच्चों, ₹12 का क्या रहेगा डिस्काउंट रहेगा। ओके, इसको अच्छे समझे, तो ₹12 का मैंने क्या करा डिस्काउंट। अब अपने को यहां पे सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई कि अगर एक्सरसाइज प्राइस ₹40 तो डिस्काउंट बोले ₹12 का, और अगर एक्सरसाइज प्राइस अगर 30 रही तो डिस्काउंट कितने का, ₹16 का। ओके, लेकिन अपने को एक्सरसाइज है कितना, कब 30 रहेगा, 30 जब रहेगा एक्सरसाइज प्राइस, जब आपके नेक्स्ट 3 इयर्स में आपकी कंपनी की ग्रोथ हर साल 10% से होना चाहिए। तो अपन देखते आगे क्वेश्चन में कुछ कहेगा। अब आगे कहते हैं ड्यूरिंग ईयर 1 द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय 12% एंड द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट दैट अर्निंग विल कंटिन्यू एट दिस रेट ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। अब रुक जागे मत पढ़ना, तो पहले साल उनको लगा कि कंपनी की ग्रोथ हुई 12% से,
और उनको लगा आगे भी इसी तरीके से कंपनी ग्रोथ करेंगी। तो पहले साल अपने को क्या लगा, पहले साल अपने को क्या लगा कि भाई साहब ये तो 10% से ज्यादा ग्रोथ हो रही है, 12% से ज्यादा हो रही, तो आपको 12% से ग्रोथ हुई पहले साल और नेक्स्ट ईयर में आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको पहले साल क्या लगा एक्सरसाइज प्राइस कितना होना चाहिए 30, हाँ ना? अरे लगा नहीं लगा बोलो, अरे बोलो 30, ठीक है, तो 30 से उन लोगों को लगा बेटा एक्सरसाइज प्राइस 30 उनको लगा, तो इसका पहले साल वही लगा कि 30 रहेगा, क्यों, क्योंकि ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा है और अगले आने वाले 2 साल में भी वैसे भी एक्सपेक्ट करें, तो कितने का डिस्काउंट 16 रुपए का। तो यहां पर मैंने टेबल बनाया रखो, देखो 10,000 शेयर 16 रुपए का डिस्काउंट, 10,000 × 16 160,000, तो 160,000 मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है, तो 1 साल में कितना, क्यों ऐसा बोलो 3 साल में, क्योंकि 3 साल वेस्टिंग पीरियड है ना, तो एक पहले साल के आखिर तक कितना, दैट्स कम 53,333। क्या आपने पहले कोई राइट ऑफ करे, नहीं सर पहला ही साल है, नहीं करे, इसलिए यहां पे निल लिखा, तो स्टेप 4-5 इट विल कम 53,333, तो पहले साल इतना राइट ऑफ कर रहा, ठीक है। अब आगे अपन देखते, अब वो कहते देयरफॉर, नहीं यहां पे पढ़ा नहीं मैंने, ओके ओके, द एंटरप्राइज देयरफॉर एक्सपेक्ट दैट अर्निंग टारगेट विल बी अचीव एंड हेंस द स्टॉक ऑप्शन विल हैव एन एक्सरसाइज ऑफ 30, उसे खुद नहीं बोल दिया, ठीक है। अब अपन आए दूसरे साल में, ड्यूरिंग ईयर टू द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय 13%, दूसरे साल कितने से बढ़ी 13% से वो बढ़ी, फिर 10% से ज्यादा, अरे क्या बात है, तो अपने को दूसरे साल भी लगा कि 30 रुपए ही एक्सरसाइज प्राइस रहेंगे क्योंकि ग्रोथ रेट 10% से ज्यादा है। सो एंड द एंटरप्राइज कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट द अर्निंग विल टारगेट अर्निंग टारगेट विल बी अचीव, उसको लगा आगे भी ऐसा ही होगा, तो अभी मैं आगे बाद में पढ़ता हूं, इधर देखो, तो दूसरे साल भी आपने 10,000 ली, 16 रुपए ही डिस्काउंट ली, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस आपको कितना लग रहा है 30 ही रहेगा, तो 16 का डिस्काउंट, तो 10,000 × 16 160,000, तो मुझे 160,000 रुपए राइट ऑफ करना है, कितने सालों में 3 सालों में, तो दूसरे साल के एंड तक कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए, तो 160,000 मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है, तो तीसरे साल दूसरे साल के आखिरी तक, सेकेंड ईयर चल रहा है, दूसरे साल के आखिरी तक कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए 1,06,666। अब आपने इतना राइट ऑफ दूसरे साल के आखिरी तक हो जाना चाहिए, ऑलरेडी आपने पिछले साल कितना राइट ऑफ करे 53,333, आपने वहां पे लिखे, अभी 1,06,667 माइनस 53,333 ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, तो स्टेप 4-5 इट्स कम 53,334, तो सेकंड ईयर आपने इतना राइट ऑफ कर। अब तीसरे साल आते हैं, फिर वो कहता है कि ड्यूरिंग ईयर 3 द अर्निंग ऑफ द एंटरप्राइज इंक्रीज बाय ओनली 3%, ये क्या हुआ, पहले साल 12% से अर्निंग बढ़ी, दूसरे साल 13% से अर्निंग बढ़ी और तीसरे साल 3% से, हम एक्सपेक्ट 10% कर रहे थे, एंड देयरफॉर द अर्निंग टारगेट वाज नॉट अचीव्ड, द एग्जीक्यूटिव कंप्लीट्स 3 इयर्स सर्विस एंड देयरफॉर सेटिस्फाई द सर्विस कंडीशन बिकॉज़ द अर्निंग टारगेट वाज नॉट अचीव्ड, 10,000 वेस्टेड स्टॉक ऑप्शन हैव बीन एक्सरसाइज्ड ₹40। फिर तीसरे साल हमको पता चलता है हमसे गलती हो गई, इट शुड नॉट बी 30, एक्सरसाइज शुड नॉट बी 30, इट शुड बी 40, क्योंकि वो टारगेट अचीव नहीं हुआ 3 साल का जो हम 10% एक्सपेक्ट किए, तो अपन ने यहां पे अगर 40 है तो आपका डिस्काउंट का अमाउंट कितना रहेगा बेटा 12 रुपए, तो यहां पे 10,000 × डिस्काउंट अब 12 हो गया, समझे, यहां पे 16 तो यहां पे कितना हो गया 12, 10,000 × 12 दैट्स कम 1,20,000, तो 1,20,000 मुझे 3 साल में राइट ऑफ करना है, तो कितना, तो 3 साल के एंड तक कितना हो जाना चाहिए 1,20,000, अब ऑलरेडी कितना राइट ऑफ कर, इतना 3 साल में राइट ऑफ कर 1,20,000 ऑलरेडी इतना राइट ऑफ कर चुके 53,333 एंड 53,334 टोटल कम 1,06,667 स्टेप 4-5, तो थर्ड ईयर में अपने को इतना राइट ऑफ करना पड़ेगा 13,333 टोटल आपको 1,20,000। ये टेबल से ये आसानी होती, एक बार उसमें एंट्रीज नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा इसलिए मैंने नहीं लिखा यहां पे, यस यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट एवरी ईयर वो एम्प्लॉय कंपनसेशन का, तो ये आप चार्ज करो, ये टेबल बनाना बेटा, देखो कितना आसानी टेबल बनाए आप कैलकुलेट करके रखें, तो बच्चा कंफ्यूज होगा, ये टेबल बना लिया आपसे गलती नहीं होगी, और ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन, आई डोंट नो शायद मटेरियल का क्वेश्चन एग्जाम का तो नहीं था शायद, कोई भी आरटीपी का हो, कोई भी अटेम्प्ट में आप कोई अटेम्प्ट कि आप तो ओल्ड सिलेबस में नवंबर 23 है उसके बाद न्यू सिलेबस में तो ये चैप्टर है भी नहीं, एनीवेज ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझेंगे। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
थ्री पे बेटा क्या कहता है अपने से क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री अपने से कहता है बी लिमिटेड हैज इट शेयर कैपिटल डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफर बी स्टैंड, कितने रुपए का शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए। ऑन 1 अप्रैल 2017 द कंपनी ऑफर 250 शेयर टू ईच ऑफ इट्स 520 एम्प्लॉइज। समझना कितने एम्प्लॉइज थे बेटे, 520 एम्प्लॉइज थे। एक एम्प्लॉय को कितने शेयर ऑफर कर रहे अपन, अपन ऑफर कर रहे 250 शेयर। एक एम्प्लॉय को कितने शेयर ऑफर कर रहे अपन, अपन एक एम्प्लॉय को ऑफर कर रहे 250 शेयर। सो एक एम्प्लॉय को 250 शेयर ऑफर कर रहे हैं ईच ईच, यूज द वर्ड 250 शेयर टू ईच ईच, एक को 250 शेयर ऑफर कर रहे। ओके ख्याल रखना। अब यहां पे एट रुपीज 60 पर शेयर, तो एक्सरसाइज प्राइस कितनी है 60 रुपीज की। वेन द मार्केट प्राइस वॉज रुपीज 150, मार्केट प्राइस कितनी है 150, तो डिस्काउंट ऑप्शन डिस्काउंट कितना 150 माइनस 60, दैट विल कम 90। द ऑप्शन वेयर टू बी एक्सरसाइज बिटवीन 1st of March 2018 to 31st of March 2018। थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, आपने दिए कब ऑफर, आपने यहां पे बात चल रही थी 1 अप्रैल 2017, आपने बोले कि यहां पर उसको आप एक्सरसाइज कर लेना 1 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, साल के खत्म होने के पहले एक्सरसाइज पीरियड भी आ गया, ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड आपका साल खत्म हुए पहले ही आ गया। अब आप थोड़ा अच्छा पहले आगे पढ़ो, फिर मैं आपसे पूछूंगा और आपने सोचना क्या है। 410 एम्प्लॉयज एक्सेप्टेड द ऑफर एंड पेड रुपीज 60 पर शेयर ऑन ईच शेयर एंड द रिमेनिंग शेयर लेफ्ट ऑप्शन लेफ्ट सॉरी द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर, यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्रीज विद नरेशन एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 विद रिगार्ड टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, अब समझो मेरी बात। अब मेरे को क्या वो एंट्री पास करने की जरूरत है क्या, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट वाली, देखो यहां पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस हमने नहीं एंट्री पास करी, क्यों एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस वाली एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, इसको अच्छे से समझना बेटा, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से मेरी बात समझना, कोई भी अटेम्प्ट में आ सकता, हो सकता है आपके अटेम्प्ट में आ जाए। आपने यहां पर ऑफर ग्रांट डेट ये थी और एक्सरसाइज पीरियड उसी साल है सर, ये कोई 2 साल 3 साल 4 साल नहीं चल रहा है, उसी साल है, तो आपका उसी साल एक्सरसाइज पीरियड। तो मुझे बताओ जब आप यहां पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट करते हो, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट जब आप यहां पे डेबिट करते हो बेटे, तो आपका क्या होगा यहां पे, तो यहां पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट जब आप यहां पे डेबिट करते, तो यहां पर तो अपने को पता है ना कि 520 नहीं ले रहे, कितना ले रहे 410 ही ले रहे ना, ये उसी साल क्या है बेटा एक्सरसाइज पीरियड, उसी साल ही एक्सरसाइज पीरियड, तो यहां पे उसी साल ही एक्सरसाइज पीरियड है बेटा। तो आपको तो पता है ना यहां पे कि 520 इंप्लॉइज नहीं कर रहे, कितने कर रहे 410 इंप्लॉइज ने कवर किया, बोला उसे कितने इंप्लॉइज ने करे 410 इंप्लॉय ही कर रहे हैं 520 ने, तो यहां पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस क्या मैं 520 इंप्लॉय मानू कि 410, अभी नहीं सर 520 मानो ओवर द, अरे भाई ओवर द पेड एक्सरसाइज उसी साल हो गए ना, तो एक्चुअल 410 नहीं करे, तो 410 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, गड़बड़ नहीं करना। So, मैं यहां पे एंट्री पास करता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, देखो बैंक अच्छा ये कैसे है मैं बता भी तो, बैंक अकाउंट डेबिट मैं लिख दूं यहां पे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 410 इंप्लॉइज थे, एक इंप्लॉय को अपन 250 शेयर दे रहे और कितने में दे रहे, उसकी मार्केट प्राइस थी 150, मैं उसको 60 में दे रहा हूं, तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो 410 इंप्लॉइज 250 एक को 60 से मल्टीप्लाई, ये अकाउंट डेबिट ये आ गया 61,50,000। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 410 एम्प्लॉयज 250 एक को और डिस्काउंट कितने का 90, सर पहले साल ही राइट ऑफ, अरे मैंने कहा पहले साल ही राइट ऑफ कर देंगे ना, बोले क्यों ऐसा क्यों, अरे वेस्टिंग पीरियड उसी साल का है ना, उसी साल खत्म हो जा रहा है पहले साल ही, तो पूरा का पूरा 92,25,000 सही कह रहा हूं यस। अब आप नहीं नहीं सर वो ईसॉप आउटस्टैंडिंग लेके आओ कहीं से भी, हमको बहुत पसंद है वो, अरे ईसॉप आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में नहीं जा रहे ना बेटे, पहले साल में ही सब हो जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे पहले साल ही खेल खत्म, अगले साल है ही नहीं, इसीलिए यहां पे आप पूरा भी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस इसलिए यहां पे लिखे, रोना मत ईसॉप आउटस्टैंडिंग नहीं लिखे सर ने, अरे ओवर द पीरियड जब रहता है फिर उसका आप यूटिलाइज करते, तो पहला साल ही तो सीधा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ओके एक ही साल में राइट ऑफ हो रहा है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 410 इंप्लॉइज
410.256 को 100 रुपए फेस वैल्यू, तो ये होगा 410 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,25,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 410 एम्प्लॉइज 250 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आएगा बेटे, ये आपका था 150 10 रुपए फेस वैल्यू, तो 140, तो 410 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 140, इट विल कम 1,43,50,000। ये एंट्री, ऑलरेडी लिखी हुई है, तो ये जो नया था मैंने आपको बताया। अब एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस विल गो टू पीएनएल अकाउंट, सो पीएनएल अकाउंट डेबिट दिस 92,25,000, तो यहां पर भी आएगा 92,25,000 पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। ओके सिंपल, ऐसे एग्जाम में आते हैं वो जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है ना, आपको पांच पांच नंबर के चार क्वेश्चन पूछ रहे, सॉल्व एनी 4 ऐसे पूछ लेता, पांच में तो बोलता चार कर लो, तो ऐसे दे देता है क्वेश्चन उसमें से, ठीक है, तब देखो पता रहना चाहिए। अरे ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, ओए लकी, लकी लिमिटेड है, बहुत इजी है लेकिन इंटरेस्टिंग, जिसने से कंसेप्ट को समझा ना उसको बहुत आसान लगे, जिसने कंसेप्ट को नहीं समझा उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। एनीवेज अब ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत इजी है, ये आपके अटेम्प्ट में आएंगे, ठीक है, सुनो मेरी बात। लकी लिमिटेड ग्रांट 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1,500 एम्प्लॉयज। अभी क्या हुआ था यहां पे कि यहां पे उन लोगों ने 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच, एक को 100 ऑफर कर दे, कितने एम्प्लॉयज थे बेटा, 1,500 एम्प्लॉयज थे, ठीक है। अभी क्या हुआ यहां पे, आगे वो कहता है फिर ऑन 1st of April 2014 फॉर ₹40 डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, ठीक है। तो वो कितने रुपए में ऑफर कर रहा था, वो ₹40 में ऑफर कर रहा था 1 अप्रैल 2014 को, मैं इसको बना लेता हूं, मैंने यहीं पे इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, अब ध्यान से समझना। तो 1 अप्रैल 2014 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2014 दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा, ओके ठीक है, 1 अप्रैल 2014। अब अपने पास यहां पे कितने एम्प्लॉयज थे, यहां पे देख, आगे देखो, अपन 100 स्टॉक ऑप्शन, एक को 1,500, ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन इट्स वेस्टिंग पीरियड, ठीक है, वेस्टिंग पीरियड विद इन ईयर मतलब जब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगा बेटा, तो एक साल विद इन ईयर मतलब एक साल के अंदर उनको ऑप्शन को एक्सरसाइज कर, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज पीरियड यहां पे, ठीक है, एक्सरसाइज पीरियड ये रहेगा, विद इन ईयर करेगा, वन ईयर करेगा, ठीक है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ₹70, तो 70 रुपए का वो कितने में दे रहे, 40, तो ये ग्रांट डेट, ग्रांट डेट, मार्केट प्राइस कितना है 70, आपका एक्सरसाइज प्राइस कितना है 40, तो डिस्काउंट कितना हो गया बेटे 30 रुपीज का। फिर वो कहता आगे, दीज ऑप्शन विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर वन। अब ये क्या कहता है, अब यहां पर उसने कहा कि मैं इसको ऑप्शन को वेस्ट कर लूंगा एक साल, वेस्टिंग पीरियड एक ही साल का, अगर इफ द अर्निंग ऑफ द लकी लिमिट 15%, उसने कहा लकी की, यहां पे मैं लिख देता, लकी की अगर अर्निंग 15% रही, 15% अगर अर्निंग रही तो ये 15% अगर उसकी अर्निंग रही तो पहले साल ही उसका अपन कर लेंगे, पहले साल ही उसको एक ही साल का वेस्टिंग पीरियड आएंगे 15% रही। अब आगे कहता है, और इट विल बी वेस्ट एट द एंड ऑफ द टू ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ टू ईयर इज 13%। दूसरी कंडीशन थी उसकी, तो पहली, एक सेकेंड चलो ठीक है, पहली कंडीशन क्या थी उसकी कि उसका अगर एक साल में उसको नहीं, तो एक सेकेंड कंडीशन आगे फुलफिल करा उसके बाद में वहां पर लिखता हूं, मगर यहां पर उसने पहली कंडीशन उसने बच्चे ये लिखा कि अगर उसका एक साल में 15% उसकी अगर अर्निंग रही तो वेस्टिंग पीरियड एक साल का ही रहे, ओके, अगर उसने वो कंडीशन फुलफिल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन दिया कि 2 साल का एवरेज 13% रहना चाहिए, 2 साल का एवरेज कितना रहना चाहिए 13%, 2 साल का एवरेज रहना चाहिए। तो पहला साल, पहले उसने कहा कि वेस्टिंग पीरियड एक ही साल का अगर अर्निंग 15% रहे, उसने बोला पर वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है बेटा, उसने बोला वेस्टिंग पीरियड 2 साल का अगर पहले साल अगर फुलफिल नहीं हुआ तो आप दूसरे साल में आ जाओगे, 2 साल का वेस्टिंग पीरियड अगर आपकी एवरेज अर्निंग 2 साल की कितनी रही बेटा 13%, ठीक है। फिर अगर लास्टली इट विल बी वेस्ट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर इफ द एवरेज अर्निंग ऑफ 3 इयर्स विल बी 10%। अब उसने कहा कि अगर दूसरे साल भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम 3 साल में क्या, उसने कहा दूसरे साल भी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती बेटा
उसने क्या कहा यहां पे कि वो कहते हैं कि 3 साल का एवरेज लेंगे, अगर 10% आता है तो वेस्टिंग पीरियड 3 साल का, मतलब यहां पे वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं। मैंने क्या कहा आपसे, यहां पे वेस्टिंग पीरियड फिक्स नहीं है। तो वेस्टिंग पीरियड फिक्स क्यों नहीं है यहां पे, उसने अलग सिचुएशन दिया। पहला उसने कहा कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल रहेगा अगर पहले साल की अर्निंग 15% हो गई, अगर वो नहीं हुई तो हम देखेंगे दूसरे साल अगर 2 साल का एवरेज 13% रहा तो वेस्टिंग पीरियड 2 साल, अगर वो भी नहीं हुआ तो तीसरे साल हम देखेंगे 3 साल का एवरेज अर्निंग आपकी 10% रहेगी तो वेस्टिंग पीरियड कितना होगा 3 साल, ये भी कंडीशन डाल दी गई। तब अपने को वेस्टिंग पीरियड फिलहाल अभी मेरे को नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि वेस्टिंग पीरियड 1 साल है, 2 साल है कि 3 साल है, अपन आगे पढ़ते हैं। अब यहां पर देखो 8,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 यहां पे बेटा 31 मार्च 2015 कितने ऑप्शन लैप्स हुए बेटा 8,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, तो टोटल ऑप्शन कितने थे इसका समझना है यहां पे 8,000 ठीक है 8,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ठीक है। टोटल ऑप्शन कितने थे आपके पास 1500 इंप्लॉइज थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो 1500 इंप्लॉइज, एक को आप 100 दे रहे हो तो 150,000 था, 150,000 था है ना, 150,000 ओके यस 8,000 ठीक है। अब यहां पे अनवेस्टेड ऑप्शन कितने लैप्स हो गए 8,000 उसमें से हो गए। अब आगे कहते हैं अपने से 6,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31 मार्च 2016 6,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, मतलब वो चले गए छोड़ के, तो 6,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो। अब आगे कहते फाइनली 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31 मार्च 2017 तो हियर कितने 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स, 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ओके। अब आगे कहते हैं द अर्निंग ऑफ लकी लिमिटेड फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, 2016 एंड 2017 आर 14%, 10% एंड 8%। अब समझो अच्छे ये है असली खेल। अब देखो क्या हुआ बेटा, पहले साल की उसकी कंडीशन थी कि अगर वो 15% है ना, क्या था आपका पहले साल अगर आपका 15% फर्स्ट होता है तो वेस्टिंग पीरियड 1 साल का, लेकिन क्या 15% पहले साल हो सका क्या, नहीं 14% तो वेस्टिंग पीरियड 1 साल नहीं है, 1 साल नहीं है मेरे को ये पता चला ठीक है। फिर सेकेंड ईयर उसका 10% हुआ तो सेकेंड ईयर 10%, लेकिन कंडीशन क्या था एवरेज आ रहा था तो एवरेज अगर देखे 2 साल का तो 15 + 10 / 2 देखिए कितना आ रहा बेटे, ये आ रहा आपका 12.5, मगर उसने कितना बोला था कि 13% होना चाहिए, यहां पे देखो यहां पे कितना बोला था 2 साल का एवरेज 13% होना, तो मैंने 15 + 10 / 2 करा 12.5 आ रहा, तो 13 नहीं होता, दूसरे साल भी वेस्टिंग पीरियड 2 साल का नहीं। तीसरे साल उसने बोला कि 3 साल का एवरेज लो तो वो कितना आना चाहिए 3 साल का एवरेज 30%, तो मैंने यहां पे देखा ना नहीं सॉरी 3 साल का एवरेज 10% बोला, ये 3 साल का एवरेज 10% बोला, तो यहां पे 15 + 10 और यहां पे तीसरे साल ये 8 आया इनका, तो ये 15 था दूसरे साल 10 और तीसरे साल 8, एवरेज निकालो इसका 15 + 10 + 8 / 3 तो ये आता 11। अब ये हो गया कंडीशन फुलफिल, कैसे फुलफिल हो गई, पहले साल बोलता 15% आना चाहिए 14 ही आए थे तो पहले साल नहीं हो पाई थी तो वेस्टिंग पीरियड 1 साल नहीं था, दूसरे साल बोला था एवरेज उसका 13% होना तो एवरेज यहां पे आपका दूसरे साल की बात करो 15 और 10 कितना 25 / 2 करो लेट्स कम 12.5 तो 12.5 उसने बोला था 12.5 आया था होना था 13 उसने बोला था कंडीशन 13 बोला था तो दूसरे साल भी कंडीशन फुलफिल है तो वेस्टिंग पीरियड 2 साल का नहीं। तीसरे साल देखे 3 साल का एवरेज 10 होना था तो पहला था 10 दूसरे साल का 10 आया था तीसरे साल का 8 तो ये मैंने ये एक्चुअल जो होता है एक्चुअल डिवाइड बाय 3 का दैट्स कम 11 हां तो 10 है तो इसका मतलब तीसरे साल कंडीशन फुल वेस्टिंग पीरियड कितना 3 साल का। तो इस तरीके से अपन ने तय करे, लेकिन अभी बहुत बड़ा ट्विस्ट अभी बचा है और वो मेरा फेवरेट है अभी जो ट्विस्ट बचा है। अब सुनो अब एग्जाम में करो तो गड़बड़ हो जाएगी तो टेबल हमेशा बना लेना बेटे। अभी क्या हुआ ये टेबल अच्छे से समझना जो मेरा फेवरेट टेबल है। पहले साल कितने ऑप्शन आपको पे आपने बोले कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 1,42,000 क्यों समझो आप बोले सर 1,50,000 थे मैंने कहा कैसे ग्रांट डेट पे
आपके कितने, आपने एक एम्प्लॉय को बोले थे कि 100 देंगे और 1500 एम्प्लॉय थे। सो यहां पे ग्रांट डेट की बात करो, एक एम्प्लॉय को 100 और वो 1500 थे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1500 वो आए थे 150,000 शेयर आए थे। तो यहां 1,42,000 क्यों लिया, क्योंकि 31 मार्च 2015 को 8 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए, तो 1,50,000 में से अगर 8 चले गए तो अपने को तो पता ना 142 है, और 142 में से फिर यहां पे 6 चले गए थे तो यहां पर हो गया 136 में से फिर 4 चले गए थे तो यहां पे अपने को एंड में पता था कितने यहां पे 132, तो 142 136 एंड 132, तो देखो यहां पे 142 136 एंड 132, तो जो अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स वो माइनस करेंगे ना बेटा, अपने को साल के आखिरी के दिन पता चल गया अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स पे, तो उस पर थोड़ी ना फिर अपन करेंगे कैलकुलेट, क्योंकि तो चले गए ना, उसपे क्यों फिर प्रोविजन बनाएंगे, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस बनाएंगे, विल ट्रांसफर टू पीएनएल, क्योंकि वो तो खरीदने नहीं वाले तो छोड़ के चले गए। ओके, अभी ट्विस्ट ये नहीं, अभी आने वाला। ऑप्शन डिस्काउंट कितने का था अपना, ऑप्शन डिस्काउंट इज यहां, ऑप्शन डिस्काउंट कितने का था अपना, 70 - 40, ऑप्शन डिस्काउंट इज 30, तो यहां पे 30 का ऑप्शन डिस्काउंट, तो 1,42,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये कितना आया बेटा, ये आया आपका 42,000, ठीक है, एक सेकेंड, ये आया आपका 42,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर यहां पे कितना था, 1,36,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिस्काउंट, तो ये आपका 4,80,000, और यहां पे 132 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट्स कम 39,60,000, इस तरीके से ये तीन साल आपका ये अलग अलग यहां पर आया। ओके, अब क्या है यहां पे, पहले सर एक एक साल ही अपन करते, अब आपने बोला ठीक है सर 42,60,000 आया, इसको आप बहुत से बच्चे जो गड़बड़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, बहुत से बोलेंगे सर 42,60,000, अभी अपने को पता चला ना कि तीन साल वेस्टिंग पीरियड, अभी अभी ट्विस्ट आने वाला, पेशेंस रखना, 42,60,000 आप बोलेंगे कि आपका वेस्टिंग, सॉरी 42,60,000 टोटल राइट ऑफ करना है, लेकिन आप बोलेंगे तीन साल में राइट ऑफ करना है, अभी तो ये तीन साल वेस्टिंग पीरियड देंगे ना कंडीशन फुलफिलिंग, तो बच्चे बोलेंगे तीन साल में, तो पहले साल के आखिर तक कितना होना चाहिए, ये मैक्सिमम बच्चे ऐसे करने वाले, लेकिन ये जो तीन साल है वो गलत है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों सर, डिवाइडेड बाय 3 क्यों नहीं, अभी तो आपने कैलकुलेट करे ना वेस्टिंग पीरियड, तीन साल वाली कंडीशन फुलफिल हुई, तो आपने डिवाइड बाय 3 क्यों नहीं करे, आपने कट कर दिया उसको, 42 लाख से डिवाइड बाय 3 होना चाहिए ना, मैंने कहा नहीं डिवाइड बाय 3 नहीं डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, अब बोले सर ये क्या बात हुई, डिवाइड बाय 3 नहीं डिवाइड बाय 2 होना चाहिए आप कहने लगे, मैंने कहा हाँ ये डिवाइडेड बाय 3 नहीं ये डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, आप बोले सर ऐसा क्यों, समझो लॉजिक इसके पीछे, मैं खड़ा हुआ पहले साल के आखिरी में, 1,50,000 शेयर्स थे, 8,000 चले गए, 1,42,000 था, 30 रुपीज का डिस्काउंट था, तो टोटल मल्टीप्लाई किया 1,42,000 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट्स कम 42,60,000, मैं हूं आज जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे आपको भी सोचना है, मैं हूं आज पहले साल के आखिरी में, मैंने क्या कहा, मैं हूं आज पहले साल के आखिरी में, तो मैं हूं पहले साल के आखिरी में, अच्छा हाँ पहले साल के आखिरी में, तो दिक्कत क्या है बता दो क्या दिक्कत है, मगर आज पहले साल के एंड में मुझे नहीं पता कि वेस्टिंग पीरियड कंडीशन पहले साल फुलफिल नहीं हुई, पता है 15% बोले थे नहीं हो पाई भाई, ठीक है नहीं हो पाई हमसे, तो 15% जो भी जितना भी बोला पहले साल की कंडीशन फुल 15% बोला 14% कुछ हुआ था, एनीवेज जो भी था तो 14% ही कर पे, तो हम कंडीशन फुलफिल नहीं कहा, तो पहले साल की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई मुझे पता है, मैं बार बार कह रहा हूं अभी फर्स्ट ईयर के एंड में हूं मैं आज, तो फर्स्ट ईयर एंड 31 मार्च 2015 है सब, और मैं सोच रहा हूं फर्स्ट ईयर एंड हुआ कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, लेकिन आज मुझे नहीं पता ये कंडीशन दो साल वाली फुलफिल होंगी कि तीन साल, पहली नहीं हुई मुझे पता है आज, लेकिन दो साल वाली होंगी कि तीन साल वाली, क्योंकि अगले साल का मुझे नहीं पता ना कि क्या होगा, अगले साल हो सकता है कि दो साल वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, आप बोलोगे नहीं नहीं सर दो साल वाली नहीं हुई, अरे तो क्वेश्चन रीड करे और वो आपको तीसरे साल पता चला, दूसरे साल के एंड में पता चला कि दो साल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, अभी अपन दूसरे साल के एंड में नहीं है, अपन पहले साल के एंड में, तो अपने को नहीं पता कि दूसरे साल वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी कि तीसरे साल वाली होंगी, देखो नहीं पता, अपन तो फर्स्ट ईयर के एंड में है आज, हाँ तो तीन साल के हिसाब से बनाओ, तीन साल में इसको राइट ऑफ करो कि दो साल में, अब हाँ सर ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अपने को नहीं पता कि कंडीशन फुलफिल दो साल वाली फुलफिल होंगी आगे कि तीन साल वाली, क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर के एंड में हूं, मैं सोचने लगा दो साल वाली बनाओ,
कि 3 साल वाली बनाओ, आप भी सोचो और हम भी सोचो और क्रॉस चेक करो कि सही क्या। मैंने कहा चलो 3 साल वाली बना लेता हूं, सोच रहा हूं, मैंने कहा लॉजिकली सही लगता है, मैंने कहा 3 साल वाली बना लो, बोले नहीं 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 सर सही नहीं लग रहा। आपने कहा क्यों? मैंने कहा इसीलिए मेरे को सही नहीं लग रहा 3 साल में, क्योंकि अगर दूसरे साल कंडीशन फुलफिल हो गई तो तीसरा साल तो आएगा ही नहीं फिर वेस्टिंग पीरियड। हाँ ये बात तो सही है, ये बात सही है। तो फिर मैंने कहा 2 साल में ही बना लेते। तो आपने कहा नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है, आप 2 साल मान के चलो और दूसरे साल पता चला कि नहीं दूसरे साल भी कंडीशन फुलफिल नहीं, फिर 3 साल में राइट ऑफ करना पड़ा, वो चल जाएगा। मैंने कहा 3 का 2 करूंगा चल, 3 साल की चीज जो चीज मुझे राइट ऑफ 3 में करना अगर पड़ गया और अगर उसको मैं 2 के हिसाब से अभी कैलकुलेट करता हूं वो चल जाएगा, कंजर्वेटिज्म अप्रोच है ना। अब मगर आप 2 साल की चीज को बोलेंगे 3 में राइट ऑफ करो, कंजर्वेटिज्म अप्रोच का वायलेशन होगा। तो मुझे अभी नहीं पता पहले साल के एंड में कि ये वेस्टिंग पीरियड 2 साल होंगे 3 साल होगा, सेफर साइड कंजर्वेटिज्म 2 साल ही मानता हूं, इसीलिए 2 है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल में डिवाइड बाय 2 है और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि क्यों डिवाइड बाय 2, इसका लॉजिक ये है। सो 42,60,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट्स कम 21,30,000। पहला ही साल है, 21,30,000 पहला ही साल है बेटा यहां पे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे पहले तो आपने कुछ राइट ऑफ करे नहीं इसलिए यहां पे 0 है। तो स्टेप 4 माइनस स्टेप 5 तो 21,30,000 माइनस 0 इट विल कम 21,30,000। अब आते हैं ईयर 2 में, तो वही 1,36,000 तो आपको पता है कैसे है 30 से मल्टीप्लाई 40,80,000। अब सेकंड ईयर पता चलेगा कंडीशन फुलफिल नहीं, अब अपने को सेकंड ईयर पता चलेगा 3 साल में राइट ऑफ करना है, इसीलिए यहां पे ये 40,80,000 को अगर 3 साल में राइट ऑफ करना है तो 2 साल में कितना, 2 साल के एंड तक कितना हो जाना चाहिए, अक्यूमुलेटेड कहते हैं इसको, अक्यूमुलेटेड कंपनी। तो यहां पे डिवाइडेड बाय सर आपने 3 करे, यहां पे 2 करे, यहां पे 3 करे, ऐसा क्यों? इसीलिए बच्चे पहले साल अपने को पता नहीं था कि 2 होगा कि 3 होगा, तो सेफर साइड 2 लिए कंजर्वेटिज्म करो, दूसरा साल पता चल गया दूसरे साल भी नहीं हुआ तो इसलिए उसको डिवाइड 3 साल में करो, 3 से करे। तो इसलिए यहां पे 40,80,000 अगर 3 साल में, तो 2 साल के एंड तक कितना 27,20,000 वार है। पहले साल आप 21,30,000 राइट ऑफ कर चुके, स्टेप 3 माइनस 4 27,20,000 माइनस 21,30,000 इट 5,90,000 आया। तीसरे साल में फिर तो ठीक है, वो तो फिर आपका ये 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय 30 दिस कम 39,60,000। तो 3 साल के एंड तक ये पूरा राइट ऑफ हो जाना चाहिए। आपने ऑलरेडी कितना राइट ऑफ कर चुके हो, ऑलरेडी आपने 21,30,000 5,90,000 तो 27,20,000 आप ऑलरेडी आप राइट ऑफ कर चुके हो। तो स्टेप 4 माइनस 5 इट विल कम 12,40,000 आपको थर्ड ईयर में राइट ऑफ करना है। सिंपल ये टेबल बन गया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट में आ जाएगा। यहां पे ये नई चीज थी डिवाइड बाय 2 वाली, अब उसमें कुछ नहीं है, अब एंट्रीज पास करना है अपने को, वो अब आप कर लेना, अब वो होमवर्क है अब आपका। अच्छा उसने पूरे साल की बोला भी नहीं, उसने एंट्री किया यू रिक्वायर टू गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबो एंड ऑल्सो प्रीपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द कंपनसेशन एक्सपेंस टू द एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ओके हाँ लिखा तो है, पहले साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ईएसओपी आउटस्टैंडिंग दिस 21,30,000 उसको पीएल में ट्रांसफर किया पीएल अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन। सेकंड ईयर कितना यहाँ पे 5,90,000 सो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईएसओपी आउटस्टैंडिंग, फिर पीएल में ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस 12,40,000 तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टू ईएसओपी आउटस्टैंडिंग देन ट्रांसफर टू पीएल पीएल अकाउंट डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस। ओके अब थर्ड ईयर में क्या होगा कि सबने करे क्या, अब यहाँ पे तो 1,32,000 एक्सपेक्ट करे थे, अब उसने कुछ आगे क्वेश्चन में कहा है 1,250 एम्प्लॉयज ने ही करे 1,250 टोटल 1,500 देखो यहाँ पे तो अच्छा मैंने लिखा यहाँ पे 1,250 एम्प्लॉयज एक को 140 रुपए में अपन दे रहे ना, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट ये डिस्काउंट कितना मैं अपने इसमें लिखता हूँ 1,250 100 एक को 100 और डिस्काउंट जो था आपका मैं लिखा हूँ मैंने कहीं डिस्काउंट नहीं लिखा डिस्काउंट 30 था एनीवेज यहाँ पे यहाँ ये देखो 70 माइनस 40 30 का डिस्काउंट तो 30 का डिस्काउंट तो इट विल कम 1,250 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 37,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल 1,250 मल्टीप्लाई अंडर फेस वैल्यू स्टैंड यहाँ पे लिखा नहीं आप अपने नोट्स में लिख लो टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,250 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इट विल कम टोटल 70 माइनस 10 60 रुपीज सो 1,250 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60 दैट्स कम 75 लाख। ये कैसे है समझे ना 60 मार्केट प्राइस 70 थी फेस वैल्यू 10 थी तो डिफरेंस इज 60
ओके डन। तो क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था। अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स आप लोग भी थोड़ा सा ट्राई, इजी है, अब आप लोग ने करना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं इसको थोड़ा कह देता हूँ, सिंपल है। देखो, ऑन 1st of April 2012 ए कंपनी ऑफर्ड 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 400 एम्प्लॉइज। तो कितने एम्प्लॉइज थे? 400 एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉय को कितने दे रहे थे अपन? 100 शेयर्स। तो कितने हो गए वो टोटल? कितना दे रहे थे अपन? 400। कितने ने लिए? अच्छा 1500 एम्प्लॉइज ने लिए, ठीक है चलो कोई नहीं। तो आगे एक को अपन कितने रुपए में दे रहे? 100 रुपए में, ठीक है। सॉरी 100 शेयर दे रहे एक को, 400 एम्प्लॉइज है, 25 रुपीज का। ये इंटरेस्टिंग है, 25 रुपीज। तो एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? 25 रुपीज। एक्सरसाइज प्राइस कितना है आपका? 25। द एम्प्लॉय आर गिवन ए मंथ टू एक्सेप्ट द शेयर, एक महीने के अंदर इनको बोल के ले लो। द शेयर इशूड अंडर द प्लान शेल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन टू ट्रांसफर द फॉर द 3 years फ्रॉम द ग्रांड डेट, दैट इज 30 September 2012। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी द ग्रांड डेट 30। अब इसका मार्केट प्राइस था ना बेटा 30, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे मार्केट प्राइस 30 है, एक्सरसाइज प्राइस 25 है, तो डिस्काउंट हो गया 5, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इमीडिएटली उनको हम दे रहे, लेकिन हम उनको इमीडिएटली उनको लॉक इन लगाए कि आप अगले 3 साल तक वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, यहां पे लिखा है। तो अब कहते हैं कि ड्यू टू द पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर, अब उनको दिए बाद उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, लॉक इन है 3 साल का। उस वजह से उसकी मार्केट वैल्यू, द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इश्यूड अंडर द प्लान इज एस्टिमेट 20 है, तो इसकी फेयर वैल्यू ये 30 से घट के 28 रुपए हो गए। 30 से लेस हो कितने हो गए? वो कम होकर 28 हो गए बेटा। अब आपको उसने बोला कि 30 अप्रैल 2012 50% ऑफ एम्प्लॉय एक्सेप्टेड द ऑफर, मतलब 400 में से 50% एम्प्लॉइज ने एक्सेप्ट करते, 200 एम्प्लॉइज नहीं करे, एंड पेड रुपीज 25। तो 25 रुपीज जो एक्सरसाइज प्राइस ने पे करे, 200 है और 100 एम्प्लॉय 100 एक को, तो 200 एम्प्लॉय 100 शेयर एक को, तो 20,000 शेयर अपन ने बेचे। अब दिक्कत ये आ रही कि डिस्काउंट में कितना बोलू, 30-25 करूं कि 5 का डिस्काउंट बोलू कि 28-25 करके 3 का डिस्काउंट, बस वही है, वही चैलेंज है। सो करेक्ट इज आप इसको डिस्काउंट बोलेंगे 3 रुपए का, बोलेंगे क्यों? क्योंकि वो भला ही मार्केट में 30 रुपए कहूंगा, लेकिन आपने शेयर पे रिस्ट्रिक्शन डाले कि लॉक इन वो ट्रांसफर नहीं कर सकते 3 साल तक। तो जब 3 साल तक उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर आपने रिस्ट्रिक्शन डाल दी, तो जब रिस्ट्रिक्शन उस पर आ गई 3 रुपए, तो रिस्ट्रिक्शन आने की वजह से उसकी मार्केट वैल्यू 30 से गिर के 28 पे आ गई, तो इसलिए 28 की चीज 25 में उनको मिल रही है, 3 रुपए का डिस्काउंट है। तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, उसी साल एक्सरसाइज हो रहा है, तो इसलिए स्टॉप आउटस्टैंडिंग पूरा का पूरा एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस एक ही साल में राइट ऑफ होगा। तो 20,000 ने कैसे समझे ना, 400 एम्प्लॉइज थे, 50% नहीं लिए, तो 200 एम्प्लॉइज एक को 100 दे रहे, तो अपन 20,000 शेयर आए, 20,000 शेयर 25 रुपए में दिए, तो इट्स कम 5 लाख, फिर 20,000 शेयर डिस्काउंट 3 रुपए, 60,000 रुपए डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू, ये 18 कैसे आया बेटा? 28,000 रुपए मार्केट वैल्यू, 10 रुपए फेस वैल्यू, तो 28-18 ये 18 आ गई उसकी सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 मल्टीप्लाई बाय 18, दैट्स कम 3,60,000। ओके, अब एक लास्ट आपका एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के पहले ग्रेडेड ऑप्शन करके कंसेप्ट है, तो मैं आपको भी साथ में अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं आपसे। ये कहता है आपसे, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर व्हेन हार्मोनी लिमिटेड ग्रांट 600 ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉइज। तो कितने एम्प्लॉइज थे? 1000 एम्प्लॉइज। एक को कितना दे रहे? 600, ठीक है। तो 1000 एम्प्लॉइज एक को कितना दे रहे? 600। 1000 एम्प्लॉइज एक को कितना दे रहे? 600। द कॉन्ट्रेक्चुअल लाइफ ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड 6 ईयर, अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलो, वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स, एक्सरसाइज पीरियड 3 ईयर्स, ओके, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर्स, एक्सरसाइज प्राइस 100, मार्केट प्राइस 100। आप बोलेंगे सर एक्सरसाइज प्राइस भी 100, मार्केट प्राइस भी 100, अपन आगे देखते रुको, फिर यहां पे जो इंपॉर्टेंट है उसको, ठीक है। एक्सपेक्टेड फोर फीचर पर ईयर 3%, हर साल जो भी, जैसे यहां पे देखो 1000 थे ना, 1000 एम्प्लॉइज है, 600 एक को दे रहे, तो हर साल 97% मतलब 3% फोरफिट हो जा रहा है, 3% फोरफिट हो रहा है। तो 4 फीट का मतलब, फोरफीचर और शेयर वो मैं समझना कि शेयर वापस ले, फोरफिट का मतलब उतने लोग एक्सपेक्ट करे कि नहीं लेंगे, अनवेस्टेड ऑप्शन लेप्स है हर साल 3%, वो कह रहे हैं। तो हर साल 97% अपने को, पिछले साल जो भी उसका 97% अपने को लेना रहेगा, ठीक है। तो आप आगे कहते हैं, द ऑप्शन ग्रांटेड वेस्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रेडेड शेड्यूल। व्हाट इज द ग्रेडेड शेड्यूल, मैं आपको भी बताऊंगा।
25% at the end of the year one, 25% at the end of the year two, and remaining 50% at the end of the year three. अब एक मिनट पहले पढ़ लो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कंपनसेशन एक्सपेंसेस फॉर द ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट एंड कॉस्ट एंड अक्यूमुलेटिव कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड ऑफ ऑल थ्री इयर्स अज्यूमिंग दैट एक्सपेक्टेड फॉरफीचर रेट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड एंड व्हेन द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन एट द ग्रांट डेट इज ₹7 पर ऑप्शन. अब ध्यान से ₹7 पर ऑप्शन. ओके ध्यान से बात मेरी बात सुनिए. अभी क्या हो रहा है यहां पे कि उसने ना ऑप्शन डिस्काउंट का अमाउंट उसने आपको यहाँ पे दे दिया, ऑप्शन डिस्काउंट का अमाउंट उसने दे दिया. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये एक्सरसाइज प्राइस भी 100, मार्केट प्राइस भी 100, तो फिर डिस्काउंट का उसने दे दिया, उसको इग्नोर करना. ₹7 है डिस्काउंट. अब इसको समझने की ग्रेडेड ऑप्शन होता क्या बेटा. अभी क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर है. तो वो कहता है तीन में कैटेगरी समझाने के लिए बना देता एबीसी करके, ठीक है. वो कहता है कि पहले साल 25% जो है उसकी जो लाइफ है, 25% जो भी ऑप्शन आपने दिए हो उसकी जो उसका वेस्टिंग पीरियड जो है एक, उसका वेस्टिंग पीरियड जो रहेगा एक साल रहेगा. वेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा उसका, एक साल. उसने कहा 25% ऑप्शन जो है उसका वेस्टिंग पीरियड दो साल रहेगा. अच्छा, और उसने कहा कि रिमेनिंग 50% का वेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा, तीन साल. मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि जो वेस्टिंग पीरियड अलग अलग है, 25% का एक साल है, फिर रिमेनिंग 25% का दो साल है, और फिर 50% का वेस्टिंग पीरियड तीन साल है. तो सबके वेस्टिंग पीरियड अलग अलग है बेटा. तो यहां पे जो 21 सेकेंड, यहां पे वेस्टिंग पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये जो पहला वाला ए कैटेगरी वाला है, मैं यहां पे लिख देता हूं समझने के लिए, इसका वेस्टिंग पीरियड कितना है, वन ईयर है. इसका वेस्टिंग कितना पीरियड है, टू ईयर है बेटा. इसका वेस्टिंग पीरियड सी वाले का कितना, थ्री ईयर. तो मैं कहता हूं कि ए वाले का एक साल, बी वाले का दो साल और सी वाले का तीन साल. लेकिन मैं ए वाले की बात करूं तो उसको तो मेरे को एक ही साल में राइट ऑफ करना है, और जो बी वाला उसकी वेस्टिंग पीरियड दो साल है तो उसको दो साल में राइट ऑफ करना है, और जो सी वाला उसका वेस्टिंग पीरियड तीन साल है तो उसको मुझे तीन साल में राइट ऑफ करना है. यस सर, यू अग्री? यस. तो आप ये देखो कैटेगरी वाइज अपन पहले देखते, अभी राइट ऑफ कैसे करेंगे उसको बाद में बात करते. कैटेगरी वाइज अगर मैं बोलू तो मेरे को कैसा करना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं यहां पर, सॉरी ये एक ही साल है, तो कैटेगरी वाइज अगर मैं यहां पर बोलूं तो पहले तो कैटेगरी वाइज वाला कैलकुलेट कर दे कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कितना आता है. तो यहां पे 600 ऑप्शन थे, 100 इंप्लॉयज थे, 100 इंप्लॉयज से एक को कितने थे, 600, और 25% ए कैटेगरी में, ए कैटेगरी में कितना. अभी कैटेगरी वाइज बोल, ईयर वाइज नहीं बोल रहा हूं मैं. अब यहां पर ए कैटेगरी में एक साल में राइट ऑफ करना है, ठीक है, लेकिन कैटेगरी वाइज अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं. तो ए कैटेगरी की वेस्टिंग पीरियड एक साल, बी कैटेगरी वेस्टिंग पीरियड दो साल, सी कैटेगरी वेस्टिंग पीरियड तीन साल. तो अभी कैटेगरी वाइज बात करो तो 600 ऑप्शन दे रहे एक इंप्लॉय को, 100 इंप्लॉय थे, और 25% क्योंकि इसका वेस्टिंग पीरियड ए कैटेगरी वाले का 25% है, और 3% फोरफिट मतलब अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट 3% होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0.97 के ऑप्शन, ठीक है. तो यह आता है 1,45,500, ₹7 डिस्काउंट है क्वेश्चन में दिया. तो ए कैटेगरी का कंपनसेशन एक्सपेंस आ रहा है 10,18,500. कैटेगरी बी में ये 600 है बेटा, ये 100 इंप्लॉइज, इसमें कैटेगरी बी में कितना आ रहा है बच्चे, 25%, और कैटेगरी सी में 50% है. तो ये 25% है, लेकिन इसकी वेस्टिंग पीरियड कितना है, दो साल, इसीलिए 0.95 मतलब 3% हर साल का, तो दो साल का इसलिए 0.97 मल्टीप्लाई बाय 0.97 दो बार के, क्योंकि दो साल था, दो साल 3% का है, ठीक है. तो इससे यहां पे ये आपका आ रहा है 1,41,135 ऑप्शन, ₹7 का डिस्काउंट एक पे. तो जो कैटेगरी बी वाले को कंपनसेशन एक्सपेंस 9,87,945 आया. फिर उसके बाद यहां पे 600 ऑप्शन, 100 इंप्लॉइज, इट शुड नॉट बी 25%, इट शुड, आप करेक्ट कर लेना वहां पे बेटा, ये 50% होगा, ये 50% करेक्ट कर लेना आपके नोट्स में, 50% 0.97. आप बोलेंगे सर क्यों इसमें तीन बार किया, क्योंकि तीन साल का इसका वेस्टिंग पीरियड है, हर साल 3% कम हो रहे हैं. इट्स कम 2,73,802, ₹7 का डिस्काउंट, इट्स कम 19,16,614. तो कैटेगरी सी का. अभी कैटेगरी वाइज आपने कंपनसेशन एक्सपेंस कैलकुलेट करें, मैं बार बार कह रहा हूं ईयर वाइज नहीं हुआ, कैटेगरी वाइज हुआ. एक कैटेगरी का एक साल था, एक कैटेगरी का दो साल, एक कैटेगरी का तीन साल वेस्टिंग पीरियड, ये कैटेगरी वाइज हुआ. तो ये जो कैटेगरी ए वाला था उसको कितने साल था, एक साल,
तो यहां पे कैटेगरी ए वाले को बेटा ईयर वन में ही पूरा राइट ऑफ कर देंगे। ये 10,18,500 का वेस्टिंग पीरियड एक साल था, तो उसको एक साल में ही राइट ऑफ करेंगे। अब जो आपका इसको आपने एक साल, इसका एक साल लाइफ थी इसकी, तो इसको एक साल में ही राइट ऑफ करें। लेकिन जो कैटेगरी बी है उसकी, इसकी दो साल वेस्टिंग पीरियड है, तो उसको आप यहां पे दो साल में राइट ऑफ करें, डिवाइड बाय टू करें। कैटेगरी जो आपकी सी है इसकी लाइफ कितनी, तीन साल वेस्टिंग पीरियड, तो इसको तीन साल में राइट ऑफ करेंगे। और फिर ईयर वाइज आप टोटल करेंगे, इस तरीके से अपने को उसको राइट ऑफ करना रहेगा। इसको कहते हैं ग्रेडेड ऑप्शन। ग्रेड ऑप्शन का मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहां पे वेस्टिंग पीरियड अलग अलग है, तो आपने पहले ग्रेड वाइज देखिए कंपनसेशन एक्सपेंस कितना है, और फिर जो ग्रेड की जितनी लाइफ थी, एक की एक साल, तो उसको एक साल में, किसी की दो साल, किसी की तीन साल, उतने साल में आपने डिवाइड कर, जिसकी एक साल थी एक साल में, जिसकी दो साल थी उसको दो साल, तीन साल की तीन साल, और फिर आपने ईयर वाइज टोटल कर, ईयर वाइज आपका इतना उसको राइट ऑफ करा। उसे क्यूमुलेटिव भी पूछा, तो पहले साल के एंड में इतना, पहले साल के एंड में इतना आपने राइट ऑफ करे, तो दो साल का मिला के, फिर आप पहले साल में इतना, तो दो साल का मिला के इतना, और फिर वो तीन साल का मिला के, क्यूमुलेटिव भी पूछ रहे कि पास्ट का भी मिला के कितना हो रहा है। तो आपने ये ईयर वाइज टोटल करे, ये ईयर पहले साल का था तो पहले साल के एंड तक इतना राइट ऑफ, फिर दूसरे साल इतना का, तो ये कैसा है आपको पता है, 21,51,343 प्लस 11,32,844। ओके, ये फिर ऐसा है, फिर आपका तीसरा साल था, फिर तीनों साल को मिला के कितना राइट ऑफ हुआ वो आपने। ओके, तो इंटरेस्टिंग ग्रेडेड ऑप्शन। तो इस तरीके से आपने ग्रेड वाइज कैलकुलेट करना, और उसके बाद फिर ईयर जो जितनी जितने वेस्टिंग है उसमें उसको राइट ऑफ करेंगे। तो यहां पे हमारा पहला चैप्टर का रिविजन खत्म होता है, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये जरूर अपने जो फ्रेंड्स आपके सीए इंटर के जो नवंबर 23 के एग्जामिनेशन में अपीयर हो, उनसे आप प्लीज शेयर करना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके टेलीग्राम के चैनल्स पे, जहां जहां आप जो फ्रेंड्स हैं, आप जो जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप वहां पर बिल्कुल शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट लगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, आप कमेंट करके अपना ओपिनियन मुझे जरूर बताएगा, इसको लाइक जरूर करेगा। सो और आज के नोट्स आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब करना, इसको नहीं बोलना, नवंबर 23 विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीए इंटर, एंड देन अपना सीए फाइनल आपका एंटर होना, तो पूरी जान लगा देंगे। और ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है, टेक केयर, बाय बाय।